चलिए जी, आज की क्लास में स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। सर, इनकम टैक्स पढ़ा रहे हो आप? आप तो इनकम टैक्स पढ़ाते नहीं हो, जीएसटी पढ़ाते हो। इनकम टैक्स कब से पढ़ाने लग गए? भैया, आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं एक बार फिर से इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ। पहले भी पढ़ाता था, लेकिन जब से जीएसटी आया तो जीएसटी में ज़्यादा मज़ा आने लगा, तो इनकम टैक्स को थोड़ी सी कम वेटेज दे दी। जैसे कई बार होता है ना हमारे को कि एक दोस्त हमें मिल गया, अब वो दोस्त बहुत अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन उससे अच्छा दोस्त मिल गया तो हम पुराने दोस्त को भूल गए। तो इनकम टैक्स क्या है? हमारा पुराना दोस्त है। ऐसा नहीं है मैंने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, मैंने बहुत इनकम टैक्स पढ़ाया है, लेकिन जीएसटी आने के बाद बेचारा इनकम टैक्स मेरे से नाराज़ हो गया, मैं इससे नाराज़ हो गया। लेकिन आज नाराज़गी दूर करेंगे और इनकम टैक्स के कोर्स को दोबारा से पढ़ेंगे। सर, इनकम टैक्स के कोर्स में क्या पढ़ाओगे आप? पहले ये क्वेश्चन आपके मन में होगा। देखिए, इनकम टैक्स की जो प्रैक्टिस होती है वो अमूमन पूरे साल नहीं चलती। हालांकि पूरे साल एक अकाउंटेंट को, अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अगर उसे इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है तो वो पूरे साल अच्छी अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा। तो अच्छी अकाउंटिंग करने के लिए इनकम टैक्स चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिवेन्यू सोर्स की, जो हम मानते हैं फाइनल रिजल्ट, फाइनल टेस्ट, वो फाइनल टेस्ट इसका साल में एक ही बार होता है जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं। तो हमारे को इनकम टैक्स इस एंगल से पढ़ना है कि जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरे वो सारी हम सही से भरें। तो हम इस वाले कोर्स में इनकम टैक्स की रिटर्न भरना आपको बताएंगे और साथ में उन रिटर्न्स को भरने के लिए क्या नॉलेज की ज़रूरत है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप ये समझो कि इनकम टैक्स में जैसे 298 सेक्शंस हैं, कि सारे सेक्शन बता दें, 298 तो काउंटिंग से हैं, लेकिन 1961 से जब ये सेक्शन आ रहे हैं तो इसमें ए बी सी सी लग लग कर पता नहीं हज़ार सेक्शन हो गए होंगे। तो हमारा फोकस उस हज़ार सेक्शन पे नहीं है। हमारा फोकस किस सेक्शंस पे? कि जब हम अपनी आईटीआर भरें वो हमारी सही से फाइल हो और उसके लिए जो हमारे को ज़रूरत है वो हम उनका इनकम टैक्स पढ़ें। इसी कोर्स के दौरान हम आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन बताएंगे। इसी कोर्स के दौरान इनकम टैक्स में टीडीएस और टीसीएस के प्रोविज़न बताएंगे। इसी कोर्स के दौरान हम आरओसी की बात करेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज रहेगा। सर, ये कोर्स कितने घंटों का होगा? इसमें मेरा कोई आइडिया नहीं है कितने घंटों का होगा, लेकिन जैसा मेरा अनुमान है कि ये 50 घंटे का मिनिमम कोर्स होगा। क्या सर ये 150 घंटे का नहीं होगा जैसे जीएसटी होता है? नहीं, जीएसटी का जो 150 घंटे का जो कोर्स होता है या 100 से ज़्यादा घंटे का कोर्स होता है, उसमें हम पेनल्टी प्रोसीजर सारी चीज़ें करते हैं, असेसमेंट वगैरह। यहाँ पर हमारा जो दायरा रहेगा वो हमारा क्या दायरा रहेगा कि आप आईटीआर भर ले और सारी नॉलेज हो जाए, असेसमेंट रीअसेसमेंट तक हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो सर, इसे पढ़ने के लिए आप क्या एक्ट से पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे? नहीं, एक्ट को पढ़ना इनकम टैक्स में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत वेल सेटल्ड हो चुका है और इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट, सारी चीज़ें। तो सर, इसे कैसे पढ़ाओगे? तो इसे पढ़ाने के लिए हम सीए में दो चरण होते हैं, मेन एक, आईपीसीसी और एक फाइनल। तो आईपीसीसी में लगभग 50 नंबर का एक कोर्स होता है, 50-60 नंबर का, जो इनकम टैक्स का होता है। हम उसकी बुक रेफर करेंगे पूरे कोर्स के दौरान। क्या सर फाइनल लेवल की? नहीं, देखो, फाइनल लेवल की जो किताबें हैं वो काम आती है बड़े एसएससी के लिए, ठीक है ना, रिलायंस हो गया, इस तरह के एसएससीज के लिए काम आती है। लेकिन जो पहले बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हम आईपीसीसी की किताब से करेंगे। और जब आप आईपीसीसी की किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर ये बेसिक नहीं, हमारे लिए तो यही एडवांस है, ठीक है, तो हम वहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। तो ये किताब कहाँ से मिलेगी? वो आप आईसीआई की साइट से जाकर आप इसे निकाल लोगे। तो हमने उसका पहला चैप्टर निकाला, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊँगा तो कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स को यूज़ करूँगा कि भाई इस वर्ड्स को ये कहते हैं, इस वर्ड्स को ये कहते हैं, ठीक है, या मैं एक पैटर्न फॉलो कराऊँगा। तो उसके लिए हमें बेसिक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स से, ठीक है। आज की क्लास आपको लग सकता है सर ये थोड़ी सी बोरिंग है, ये तो पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी, ठीक है, आप अपना पूरा धैर्य बनाए रखिएगा, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। तो स्टार्ट करें हम इनकम टैक्स। चलिए,
जब हम इनकम टैक्स को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स को पढ़ना कैसे है। मैं धीरे धीरे आज की क्लास में ना इसे थोड़ा जीएसटी से कंपेयर करूंगा, और ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ कि जितने लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने मेरे से जीएसटी करा है, क्योंकि 90% लोगों को हम तभी इनकम टैक्स का कोर्स देते हैं जब उन्होंने जीएसटी करा हो, जिससे कि आपको सारी चीज़ों की नॉलेज पता लग जाए या जो मैंने जीएसटी में पढ़ाया है वो यहाँ से मैं थोड़ा सा लिंक कर लूँ। तो पहली चीज़ है कि कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लो, कि इनकम टैक्स लो को पढ़ने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। मतलब कि जैसे हम जीएसटी में देखते हैं कि भाई सीजीएसटी एक्ट पढ़ लो, आईजीएसटी एक्ट पढ़ लो, रूल्स पढ़ लो, नोटिफिकेशन पढ़ लो, इसी तरीके से इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो मदर लॉ है, ठीक है ना, जहाँ से इसका जन्म हुआ वो पढ़ना होता है, जिसका नाम होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस एक्ट को आए हुए लगभग 60 साल हो गए, ठीक है, काफ़ी पुराना एक्ट हो चुका है। तो क्या सर इसके बदलाव की ज़रूरत नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। हो सकता है आने वाले सालों में इसे हटाकर एक नया टैक्स ला दिया जाए, ठीक है, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड, क्या है जी, DTC, ठीक है, ये DTC की बस नहीं है, ठीक है, क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है, ये आने की उम्मीद है। अगर कभी भी, चाहे आज 2021 की बात कर रहे हैं, अगर 2022, 23, 24, 25 में जब भी ये आ गया तो हर प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने जीएसटी में अच्छा काम किया है ये देखा गया है कि उनके पास प्रीवियस लॉ की जानकारी थी। तो इनकम टैक्स की नॉलेज आपको लेनी चाहिए और माइंड में रखना चाहिए DTC, कि कभी भी DTC अगर आ गया तो हम लाखों रुपया और अच्छा नाम कमा जाएंगे। कई लोग सोच रहे होंगे, अरे छोड़ो आप इनकम टैक्स क्या पढ़ना, अब तो DTC आने वाला है तो DTC ही पढ़ ले। ऐसा नहीं, ठीक है, पता नहीं DTC कब आएगा, और जब भी DTC आएगा तो उसका थोड़ा प्रोविजंस जो मैच होंगे वो होंगे तो इनकम टैक्स से ही ना, ठीक है, तो इसलिए इनकम टैक्स को पढ़ ले, है ना, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितना हमारी नॉलेज के लिए ज़रूरत है उतना पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे इनकम टैक्स 1961 आया, अब उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेज होंगे, समय के साथ साथ चेंजेज होंगे, तो जैसे GST में समय के साथ चेंजेज होने के लिए नोटिफिकेशंस आती हैं, ठीक है ना, लेकिन इनकम टैक्स में चेंजेज करने के लिए इन्होंने एक पैटर्न सेट कर रखा है कि हर साल ये एनुअल फाइनेंस एक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? एनुअल फाइनेंस एक्ट लेकर आएंगे। ये हर साल का इनका नियम है, हर साल बजट आएगा और वो जो बजट आएगा एनुअल फाइनेंस एक्ट आएगा। तो इनकम टैक्स में ना ऐसे ना हर 2 महीने में, हर 3 महीने में चेंजेस नहीं होते। नोटिफिकेशन सर्कुलर तो आते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन जो बड़े चेंजेस होते हैं वो कहाँ से होते हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट से। GST में ऐसा नहीं था, GST में ये अमेंडमेंट करते थे ओरिजिनल एक्ट को। जैसे अगर आपको याद हो, पहले CGST एक्ट 2017 आया था, फिर अमेंडमेंट एक्ट 18 आया था, ठीक है, अब GST की भी अमेंडमेंट बजट से आने लग गई, एनुअल फाइनेंस एक्ट से आने लग गई, लेकिन इनकम टैक्स में ये जो रिवाज है ये सालों से चलता आया है कि हर बार क्या आएगा, फाइनेंस एक्ट आएगा। तो यहाँ पर अगर कोई मेरे से पूछता है कि भाई इनकम टैक्स में अपडेट होने का क्या तरीका है, तो पहली बात तो भाई जितना पहले एक्ट आया हुआ है उसे ही पढ़ लो, उसके बाद जितने फाइनेंस एक्ट हैं आप उन्हें पढ़ लो, या जो नए फाइनेंस एक्ट आते रहेंगे उन्हें पढ़ लो, ठीक है, वही इनकम टैक्स में अपडेट है। लेकिन जितना आया हुआ है उन्हें पढ़ना भी एक अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स रूल्स, जैसे हमारे CGST रूल्स है ऐसे इनकम टैक्स रूल्स है, तो इनकम टैक्स रूल्स भी हमें पढ़ने, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पर मेन पहले सेक्शंस पे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, जैसे GST में सर्कुलर और नोटिफिकेशन आते हैं ऐसे इसमें। इसके बाद है लीगल डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। लीगल डिसीजन क्या? हाई कोर्ट की जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अब क्या है कि GST के अंदर इतनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई अभी, क्योंकि GST को आए हुए ही 4 साल हुए, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इनकम टैक्स में डिस्प्यूट होते होते बहुत सारे केसेस हमारे कहाँ पर जा चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन फाइनल कर दिए वो लॉ ऑफ लैंड बन गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये हाई कोर्ट की जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी ज़रूरी होती है। क्या सर ये डेली रूटीन में? नहीं भाई, डेली रूटीन्स में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा कंसर्न आपको पता लग गया,
कि हमारा क्या कंसर्न रहेगा, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसका एक फ्लो है कि इस फ्लो से हमें इनकम टैक्स पढ़ना है। उसी फ्लो से हमारी इनकम कैलकुलेट होती है, उसी फ्लो से हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको फ्लो बताऊंगा, ठीक है, और उस फ्लो के अंदर हम पूरे इनकम टैक्स को पढ़ लेंगे जो एक रिटर्न फाइलिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वो फ्लो आपको याद रखना है। और इसमें करना क्या है, एक चीज़ और समझना, जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चंस दूंगा इसमें ना प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे जीएसटी के अंदर तो हम थ्योरी करते रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस वैसे तो आईटीआर की प्रैक्टिस है, लेकिन कानून को समझने के लिए, कैलकुलेशंस को समझने के लिए हम थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करेंगे। सर ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिस का क्या मतलब है? मैंने आपको एक फिगर दे दी कि भाई गुप्ता जी की ये इनकम है, इस पर टैक्स निकालो, ठीक है, इनकी इस तरीके से इनकम है, टैक्स निकालो। तो ये है तो एक थ्योरेटिकल, लेकिन क्या है, थ्योरेटिकल में प्रैक्टिकल हम उसकी बात करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कवर अप करने की। तो हम पर बात करते हैं कि अगर इनकम टैक्स में कोई व्यक्ति टैक्स निकालता है या किसी व्यक्ति को टैक्स देना है, अगर उसकी कैलकुलेशन करनी है तो उसका फ्लो क्या है। तो फ्लो को समझिएगा, पहला फ्लो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, कि अगर आपको किसी व्यक्ति की टोटल इनकम निकालनी हो और साथ में क्या निकालना हो, टैक्स लाइबिलिटी, तो इस फ्लो के साथ चलना। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझ लो, आपने एड में देखा होगा ब्रेटली, ठीक है, या फॉरेन क्रिकेटर जो होते हैं वो भी इंडिया में आकर एड देते हैं, देते हैं या नहीं देते, है ना। जैसे अभी आजकल आईपीएल चल रहा है तो उसमें भी वो लोग एड्स देंगे, एड्स देते हैं या नहीं, तो उनकी भी कमाई होती होगी। ऐसे ही इंडिया के जो लोग हैं वो भी फॉरेन में कमाई करते होंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को ये चीज़ चेक करनी होती है कि एक व्यक्ति की इनकम क्या है। उस इनकम को चेक करने के लिए, अब मान लो मैं कपिल जैन हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल से पढ़ते हैं, मैं कपिल जैन हूँ, अब मैं क्या चला गया, सऊदी अरब चला गया घूमने। अब मैं सऊदी अरब चला गया, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट थे, उन्हें ये पता चला कि ये जीएसटी पढ़ाते हैं। उन्होंने मेरे से क्या बोला कि सर आप एक सेमिनार यहाँ पर दे दो। अब मैंने वहाँ पर सेमिनार दे दिया और सेमिनार देने के बाद मुझे 2 लाख रुपए की कमाई हो गई, इंडियन रुपीज में 2 लाख रुपए की। तो मैंने सेमिनार दिया वहाँ पर, कमाई हुई वहाँ पर, तो क्या मेरे से इंडिया गवर्नमेंट टैक्स ले या सऊदी गवर्नमेंट टैक्स ले, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए या नहीं, बोलो। अच्छा सर, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जीएसटी की शुरुआत करते समय भी हमने आपको ये बताया था कि भाई टैक्स क्या है, बताया था या नहीं। तो हमने जब टैक्स की बात करी थी कि टैक्स क्या है, तो टैक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। क्या चीज़ है जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसकी आपको एक कॉस्ट देनी पड़ेगी रहने की। जैसे आप में से, मुझे ऐसा यकीन है कि कई लोग तो अपना घर बनाकर रहते हो अपना घर बनाकर, जिसमें फर्स्ट फ्लोर भी तुम्हारा, सेकंड भी तुम्हारा, थर्ड भी तुम्हारा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, बिल्डर फ्लोर में रहते हैं, बिल्डर फ्लोर में क्या, फर्स्ट फ्लोर तुम्हारा, सेकंड फ्लोर किसी और का, थर्ड फ्लोर किसी और का, ऐसे रहते हो। कई लोग क्या करते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है ना, एक सोसाइटी में रहते हैं। मान लो हमने इस सोसाइटी का नाम दे दिया तरंग अपार्टमेंट। अब अगर आप इस सोसाइटी में रहते हो तो इस सोसाइटी के अंदर अगर आप रहते हो तो आपने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा। फ्लैट खरीदने के बाद आप रह रहे हो, आप भी रह रहे हो, आपके बच्चे भी रह रहे हैं, लेकिन आपको हर महीने कुछ मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, जैसे कि 5,000 रुपये महीने देने पड़ते हैं, 3,000 रुपये महीने देने पड़ते हैं। अगर आप ये कहने लगो कि भाई मैंने इस सोसाइटी में घर खरीदा अपने पैसों से, तो मैं इस सोसाइटी में रहने के पैसे क्यों दूँ, तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे कि भाई देखो हम आपकी सेफ्टी के लिए पैसे ले रहे हैं। सेफ्टी किस चीज़ की, उस सोसाइटी के मेन गेट पर एक गार्ड रहता है, बड़ा सा गेट लगा रहता है, होता है या नहीं होता। तो क्या वो किसी अनजान व्यक्ति को अंदर आने देता है, नहीं आने देता, वो कहता है कि भाई आप अगर जान पहचान हो तो जाओ। क्या ये वाली फैसिलिटी आपको अपने फ्लैट में मिलती है, क्या ये वाली फैसिलिटी आपको बिल्डर फ्लैट में मिलती है, नहीं। ये वाली फैसिलिटी कहाँ मिलती है, जब आप किस में रह रहे हो,
सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको एक फैसिलिटी मिल रही है, और उस सोसाइटी में रहने की आपको एक लिविंग कॉस्ट देनी पड़ रही है। उस सोसाइटी के अंदर एक पार्क भी है जहाँ पे आपके बच्चे खेलते हैं, लेकिन उस पार्क और बाहर वाले पार्क में अंतर है। अंदर वाले पार्क में सोसाइटी है, सेफ्टी है या नहीं है, वहाँ पर साफ सफाई है या नहीं है, लेकिन आपके फ्लैट के बाहर हो सकता है गंदगी हो। इस सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी या नहीं, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या कि कपिल जैन ने एक फ्लैट परचेज कर लिया, लेकिन कपिल जैन उस सोसाइटी में रह नहीं रहा। कपिल जैन ने फ्लैट परचेज कर लिया, उस सोसाइटी में रह नहीं रहा, क्या कपिल जैन को भी उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी या नहीं? देनी पड़ेगी, क्योंकि उस सोसाइटी को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। उस सोसाइटी को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। तो यहां पर इस चीज को समझ में आई। अब ये इंडिया जो है, ये इंडिया भी क्या है, एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी के मेन गेट पर चौकीदार खड़े हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जो किसी को अंदर ही नहीं आने देते, नहीं तो आतंकवादी अंदर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है, फिर हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। तो इस सोसाइटी में रहने की हमारे को क्या देनी पड़ेगी, एक कॉस्ट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एक कॉस्ट। क्लियर है या नहीं है? अगर आप बड़ी सोसाइटीज में चले जाओ तो आजकल वहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट भी बना दिए जा रहे हैं, वहाँ पर एक दुकान भी ओपन कर दी जा रही है, वहाँ पर मेडिकल स्टोर भी ओपन कर दिया जा रहा है, एक डॉक्टर को भी बिठा दिया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दें। तो जो सोसाइटी में ज़्यादा फैसिलिटी होगी वहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट, जिस सोसाइटी में फैसिलिटी नहीं होगी वहाँ पर कम कॉस्ट। लेकिन सोसाइटी में रहने की क्या देनी पड़ती है, कॉस्ट। और इंडिया भी क्या है, एक सोसाइटी। अगर आप इंडिया को छोड़ के सऊदी अरब चले जाओ, वो भी एक सोसाइटी है या नहीं है? अब हर व्यक्ति आज के डेट में इंडिया को छोड़कर कोशिश करता है कि मैं लंदन चला जाऊँ, मैं यूएस चला जाऊँ, मैं कनाडा चला जाऊँ, क्योंकि कनाडा वाली सोसाइटी क्या लग रही है हमें, अच्छी लग रही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर रहने की लिविंग कॉस्ट होगी। एग्री कर रहे हो या नहीं? हाँ जी। तो यहाँ पर इसी तरीके से जब मैं हिंदुस्तान में रहा तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको सोसाइटी में एक टैक्स देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग देनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहाँ चला गया, सऊदी अरब। कहाँ चला गया, सऊदी अरब चला गया। 4 महीने वहाँ पर रहा, सर्विस दी, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्योंकि तुम 4 महीने यहाँ पर रहे हो तो यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है या नहीं, बोलो। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी हमारे को किसी व्यक्ति की टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है ना, उससे पहले हमें ये निकालना होता है कि इसकी कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा। सबसे पहले हमें ये निकालना होता है, इंडिया में मैं जो कमा रहा हूँ उस पर तो इंडिया में टैक्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन मेरा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि सऊदी अरब में जो मैंने इनकम कमाई क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया मेरी? तो ये किस चीज़ पर डिसाइड होगा, इसे डिसाइड करने के लिए इनकम टैक्स में एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं रेजिडेंटल स्टेटस। क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। हालांकि जो लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं, जो लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं, 90% ITR भरने से पहले कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को नहीं देखता, किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। लेकिन जहाँ पर बुकिश नॉलेज शुरू होती है वहाँ पर इनकम टैक्स की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे जो ITR भरते हैं, सच सच बताओ पहली बार सुन रहे हो या नहीं? हाँ, या पूरी डिटेल में पता है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, या सिर्फ इतना पता है कि ITR में एक कॉलम आता है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, और हमारे को हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ है कि इसमें रेजिडेंट भरना और आगे चले जाना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन आज जब भी ITR भरने जाओ तो वहाँ पे रेजिडेंट की जगह आपकी बार नॉन रेजिडेंट सिलेक्ट करना, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी पूरी इनकम टैक्स की रिटर्न चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रेजिडेंशियल स्टेटस। ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। पहले तो हम मानते हैं 2 ही तरीके का, एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर इसे क्या कल्पना की गई है कि भाई देखो, अगर आप इंडिया में ज़्यादा दिन रहे, इंडिया की सोसाइटी को ज़्यादा यूज़ करा, तो हम तुम्हें क्या मान लेंगे, रेजिडेंट। और अगर तुम इंडिया के रेजिडेंट बन गए तो बताओ कम टैक्स देना पड़ेगा या ज़्यादा, क्या कम देना पड़ेगा या ज़्यादा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुमने इंडिया को ज़्यादा यूज़ करा है ना, इंडिया को तुमने ज़्यादा यूज़ करा है तो ज़्यादा टैक्स।
तो अब एक चीज़ ये मुझे बताओ, हर हिंदुस्तानी क्या बनना पसंद करता होगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट नहीं, वो कहता अगर मैं रेजिडेंट बन गया तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो क्या बनना पसंद करता होगा? नॉन रेजिडेंट। हर हिंदुस्तानी की एक चॉइस है, ठीक है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बने? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि अगर वो नॉन रेजिडेंट बनेगा तो उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। ये वाली चीज़ क्लियर हुई या नहीं? और गवर्नमेंट क्या चाहती होगी, हर व्यक्ति क्या बन जाए? रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट हो गया तो इसकी सारी इनकम पर इंडिया में टैक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में एक मिडिल होता है, ठीक है, पहले तो हम क्या निकालते हैं, रेजिडेंट और नॉन, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा इंडिया में रहा या कम इंडिया में रहा। फिर इसके बीच में एक होता है कि वो रेजिडेंट तो है लेकिन कभी कभार इंडिया में रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, कभी कभार रहता है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट, NOR, इसे आप लिख सकते हो। हालांकि हम पूरा डिस्कस करेंगे कि इसके क्राइटेरिया क्या है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, इसे क्या बोलते हैं हम, ठीक है, नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट। ये क्या है? बीच का। ये क्या है? बीच का, मतलब अगर रेजिडेंट हुआ तो सारी इनकम टैक्स करेंगे, नॉन रेजिडेंट हुआ तो कम इनकम टैक्स करेंगे, और NOR हुआ तो, ठीक है, कुछ इनकम टैक्स करेंगे और कुछ को छोड़ देंगे। क्लियर है? तो जब भी अगर आप, अभी आपने किसकी रिटर्न भरी है? अपनी भरी है, ज़्यादा ज़्यादा कपिल जैन की भर ली होगी, लेकिन आपने आज तक विराट कोहली की रिटर्न नहीं भरी, भरी है नरेंद्र मोदी जी की रिटर्न नहीं भरी, ठीक है ना, ये सलमान खान की रिटर्न नहीं भरी। अगर आप इन लोगों की रिटर्न्स भरोगे, आप मुकेश अंबानी की रिटर्न्स भरोगे, आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी मुंबई में रहता है हमेशा? आपको क्या लगता है ये जो आधार पुणे वाला है, जो वैक्सीन बना रहा है, क्या ये इंडिया में रहता है हमेशा? ये लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं, ये लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया से बाहर रहते हैं, आप समझ रहे हो। और इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्हें ये बताते हैं कि तुम्हें कितने दिन इंडिया से बाहर रहना है, कई बार, किस चीज़ के लिए, वो कैलकुलेशन करते हैं कि अगर अंबानी साहब इंडिया में रहे, इंडिया में रहे, रेजिडेंट हो गए तो अलग टैक्स होगा, और अगर नॉन रेजिडेंट हो गए तो अलग टैक्स होगा। क्लियर है मेरी बात? ये नहीं, हाँ, लेकिन हमें भाई अंबानी की रिटर्न तो अभी तो हमें मिलने वाली है नहीं, ठीक है ना, तो हम उस एंगल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसके लिए काम आता है। तुम्हारा क्या रेजिडेंशियल स्टेटस, मेरा क्या, यहाँ तो साल के 365 दिन इंडिया में रहना है ना जी, अपने को तो इंडिया में रहना, और हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट सारे इंडिया में ही रहते हैं, वो बात अलग है, साल में, दो साल में, चार साल में एक बार 4 दिन के लिए चले गए, वो भी कहाँ चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा मालदीव, ठीक है ना, वो भी इनकम के लिए नहीं, एक्सपेंसेस के लिए। तो इसलिए तुमने अगर आज तक रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं पढ़ा किसी क्लाइंट का, तो इसमें शंका की कोई बात नहीं है। मैंने भी अपने 10-12 साल के करियर में एक या दो बार इस चैप्टर को पढ़ा है, एक दो बार कभी ऐसा क्लाइंट आया है मेरे पास कि जो इंडिया से अपनी प्रैक्टिस छोड़कर यूके में जा बसा, और उसने कहा कपिल जैन मेरी ITR भर दो, तो तब मैंने उसका क्या निकाला, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति की रिटर्न भरते हो तो ITR भरने के 1000 रुपये नहीं मिलते, ITR भरने के मिलते 15,000, ठीक है। वो मेरा क्लाइंट कहता है कि जब मैं इंडिया में था तब तो कपिल तुम मेरे से 5,000 में रिटर्न भर देते थे, अब 15,000 मांग रहे हो। मैंने कहा पहली चीज़ तो मुझे तुम्हारा क्या निकालना पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा, और उसे निकालने की ही फीस 5,000 रुपये है, आप समझ रहे हो या नहीं। तो अगर तुम्हारे को विराट कोहली की रिटर्न फाइल करने को नहीं मिल रही, सलमान खान की रिटर्न फाइल करने को नहीं मिल रही, इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना नहीं आता। आता है क्या? हाँ, तो आज सीख लोगे तो क्या पता कल को सलमान खान को फ़ोन करके कह सको कि अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना जानते और आप हमें अपनी ITR दे सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ जी, पहला क्राइटेरिया क्लियर हुआ। हाँ, हम सारे एग्जाम्पल्स में अभी तक क्या मानेंगे कि हम रेजिडेंट ही हैं, ठीक है ना, और बाद में नॉन रेजिडेंट वगैरह के बारे में भी देखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, कि एक व्यक्ति की इनकम तुम्हें पता लग गई, बैंक स्टेटमेंट तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें पता लग गई कि इस व्यक्ति की इनकम इतनी है। जैसे आपने कपिल जैन की लेट सपोज इनकम निकाल ली 20 लाख, कितनी निकाल ली 20 लाख।
अब ये जो कपिल जैन की आपने इनकम निकाली है 20 लाख, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो आपने कपिल जैन की इनकम 20 लाख रुपए निकाली है, इसे ना डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आप इनकम डिवाइड करते हो तो इनकम टैक्स ने क्या कर रखा है, इनकम टैक्स ने उसके 5 घर बना रखे हैं, ठीक है। इनकम टैक्स ने कहा कि तुम्हारी इनकम कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम 5 तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। कितने तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे? तो जब भी अगर आपको अपनी इनकम, जैसे कपिल जैन की इनकम बैंक अकाउंट में कितनी आई, 20 लाख, लेकिन वो कहता है कि 20 लाख रुपए में से ये बताओ कि ये इनकम किस तरह की है। तो पहला दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, ठीक है जी। तो पहले आपको डिफरेंट हेड्स में बतानी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, भगवान की कृपया से जब मैं अपनी ITR भरता हूँ तो मेरी ITR में ये 5 हेड्स की इनकम आती है, ठीक है ना। कई लोगों को 1 की आती होगी, कई को 2 की, मेरे में ये 5 की आती है। और अगर नहीं आती तो मैं ITR सीखने के लिए 5 हेड की जनरेट कर लेता हूँ। अब 5 हेड्स की कैसे आती है ज़रा समझना। पहला हेड हमारा होता है PGBP, क्या जी, ठीक है, कोई सा भी हेड्स मान लो, बिजनेस प्रोफेशन, क्या जी, बिजनेस और प्रोफेशन। तो तुम्हें पता है मेरा KJ क्लासेस के नाम से बिजनेस प्रोफेशन है, तो साल में 1-2 लाख रुपए यहाँ से मेरे को आ जाते हैं। तो पहली तो इनकम क्या हो गई मेरी बिजनेस प्रोफेशन की, कि मेरा बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है, इसे बिजनेस मान लो, मेरी CA की प्रैक्टिस भी है, तो मान लो मेरे को साल की इनकम यहाँ से आ गई 2 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है, मेरी एक कंपनी है उसके अंदर मैं डायरेक्टर हूँ, तो साल के अंदर वहाँ से मेरे को डायरेक्टर रेमुनरेशन आ जाता है, ठीक है। तो वो जो डायरेक्टर रेमुनरेशन है, ठीक है, जो डायरेक्टर रेमुनरेशन है वो मेरी कौन से हेड की इनकम हो गई, सैलरी। उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत शेयर की ट्रेडिंग वगैरह भी करता रहता हूँ, तो शेयर की ट्रेडिंग वगैरह करने से प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो वो कौन सा हेड हो गया, कैपिटल गेन। एक मेरा एक ऑफिस है जो किराए पर मैं देता हूँ, एक मेरा ऑफिस है जो किराए पर देता हूँ, वहाँ से मेरे को कौन सी इनकम आती है, हाउस प्रॉपर्टी, क्या आती है, हाउस प्रॉपर्टी। और बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है जिस पे मुझे सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट आता है, ये इनकम क्या हो गई मेरी, अदर सोर्सेज। तो अगर कपिल जैन को 20 लाख की या 10 लाख रुपए की इनकम होती है तो सबसे पहले उस इनकम को कितने भागों में डिवाइड करना है, 5 हेड्स, ठीक है। और अदर सोर्सेज हेड को हम बोलते हैं रेजिडुअल, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल। अगर किसी को ना पता चले कि ये कौन सा हेड है तो वो रेजिडुअल में चला जाएगा। जैसे आप अभी रोड पर चलते हुए आ रहे थे और आपको 10 लाख रुपए का एक बैग मिल जाए, ठीक है, एक बैग मिल जाए पड़ा हुआ, बताओ वो आपकी इनकम हुई या नहीं हुई, हाँ इनकम हुई, कौन से हेड की इनकम हुई, किसकी हुई, अदर सोर्स। आप सट्टा खेलते हो, IPL शुरू हो रहा है, ठीक है ना, आप सट्टा खेलते हो, तो सट्टा खेलते खेलते आपको 10 लाख रुपए की इनकम हो गई, कह रहे अदर सोर्स, ये कह रहा मेरा बिजनेस है ये, ठीक है ना, ये कह रहा मेरा तो बिजनेस है ये, मैं तो हमेशा यही खेलता हूँ। तो 10 लाख रुपए की इनकम हो गई, पुलिस वाले ने छापा मार दिया तुम्हारे यहाँ, तो क्या ये इनकम लीगल है या इलीगल है, इलीगल है। तो पुलिस वाले ने छापा मार दिया, 10 लाख रुपए जब्त कर लिए, साथ में इनकम टैक्स वाले ने भी छापा मार दिया, पुलिस वाले ने भी छापा मारा, पुलिस वाले ने छापा मारा तो 10 लाख रुपए पुलिस वाला रखेगा या अपने पास या तुम्हें दे देगा, वो पहली बात तुम्हारे पैसे जब्त कर लेगा। इनकम टैक्स वाला जब छापा मारेगा क्या तुमसे इस पे टैक्स लेगा, इलीगल इनकम के ऊपर भी टैक्स है, ठीक है। तो अब वो बात अलग है कि आप इनकम टैक्स वालों को बोलो कि सर ये मेरी बिजनेस इनकम है या अदर सोर्स, इस इज योर चॉइस, ठीक है। वो बाद में इनकम टैक्स वाले देखेंगे कि ये रेगुलर खेलता है या कभी कभी खेलता है, लेकिन इनकम होगी, क्लियर हुआ। तो हमारे को कितने हेड्स देखने हैं, 5 हेड्स। इन 5 हेड्स के अंदर नामों में या किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलो। ये इन्होंने 5 हेड्स बड़े सोच समझ के बनाए हैं, इसी तरीके से जैसे इन्होंने 5 हेड्स बनाए हुए, इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अपनी ITR भरता है, क्या भरता है, अपनी ITR,
थोड़ा प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। आईटीआर के अंदर भी ना फॉर्म बनाए हुए हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, 6, और ऊपर वाले की कृपया से मैं अपने पर्सनल के अंदर ही सारी ITR भर लेता हूँ। जैसे कि ITR 6 किसकी होती है? कंपनी की। किसकी होती है? कंपनी की। ITR 5 किसकी होती है? प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की। किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। ITR 4 और ITR 3 किसमें? बिजनेस में। किसमें? ठीक है, तो मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैं उसके लिए ITR 5 भरता हूँ। मेरी कंपनी है, उसके लिए ITR 6 भरता हूँ, और जो मेरे बिजनेस है उसके लिए ITR 3 और 4 भरता हूँ, और अपने घर वालों के लिए ITR 1 और 2 भरता हूँ। ठीक है, तो सारी की सारी 6 की 6 ITR में भरने लगाऊँ। ठीक है, वो बात अलग है। अब मैं एक स्कूल ओपन कर रहा हूँ तो उसके बाद ITR 7 भी भरने लग जाऊँगा, तो सारी नॉलेज एक ही जगह पर हो जाती है। व्यक्ति को जो सीखता है उसकी कंप्लीट नॉलेज तब तक नहीं होती जब तक वो प्रैक्टिकल ना कर ले। समझ में आई मेरी बात? तो आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है, जितना भी सीखो उसका प्रैक्टिकल करो। ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया 5 हेड्स की इनकम प्रैक्टिकली मैं समझ गया, और उसके बाद ITR के फॉर्म समझ गया। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद अब ये कहता है कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। क्या बोला जी? पहले तो आपने डिफरेंट हेड्स में कर ली, फिर ये कह रहा है कि ईच हेड में कंपटीशन करो। सर इसमें क्या मतलब हुआ? आप यहां पर समझना कि इनकम टैक्स के 5 बेटे हैं। क्या हैं जी? इनकम टैक्स के 5 बेटे हैं जो पैसा कमा कर लाते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के 2 बेटे हैं ना, एक इनकम टैक्स और एक GST जो पैसा कमा के लाता है। ठीक है, ऐसे ही इनकम टैक्स के 5 बेटे हैं, एक PGBP, एक सैलरी, एक कैपिटल गेन, एक हाउस प्रॉपर्टी और एक अदर सोर्सेज। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई जब भी तुम पैसा लेकर आओगे, इन 5 बेटों को क्या बोल रखा है कि तुम अपना अपना एक क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और देखो यहां पर इनकम टैक्स जो लगाना है हमें किस पे लगाना है? इनकम पर। किस पे लगाना है? इनकम पर। इनकम का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, डेट इज इनकम। अगर मैं इसे GST से कंपेयर करूं तो GST को ये समझ लो जो हमारा आउटपुट टैक्स होता है वो तो हो गया रिवेन्यू, और जो ITC होता है वो हो गया एक्सपेंस, और नेट में टैक्स आ जाता है। तो जैसे ITC के ऊपर GST में बहुत लड़ाई होती है, इसी तरीके से ये जो एक्सपेंसेस हैं इसके ऊपर बहुत लड़ाई है। क्या लड़ाई है? हर व्यक्ति क्या सोचता होगा कि अगर मेरी 100 रुपये की इनकम हो तो मैं एक्सपेंसेस कितने का डाल दूँ? 99 रुपये का, और 1 रुपया गवर्नमेंट को क्या दे दूँ? टैक्स। दो जगह से इनकम टैक्स की चोरी होगी। पहली चोरी तो क्या होगी कि ये एक्सपेंसेस ज़्यादा डालो। पहली चोरी क्लियर हुई? एक्सपेंसेस को क्या डाल दो? ज़्यादा। और दूसरी चोरी क्या होगी? रिवेन्यू को कम कर दो। है जी, जैसे GST में चोरी कैसे होती है? या तो ITC ज़्यादा ले लो, है ना, या अपनी सेल्स को कम दिखा दो। इसी तरीके से इनकम टैक्स में भी यही होता है। तो ये जो 5 बेटे इनकम टैक्स के हैं, गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, इन 5ों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। कहा कि ये तुम्हारी इनकम होगी और ये तुम्हारे एक्सपेंस होंगे। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपने कुछ उल्टे पुल्टे एक्सपेंसेस डाले तो वो आपको अलाउ नहीं होंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि हो सकता है जब मैं आपको PGBP की इनकम कैलकुलेट करने को दूं तब मैं आपसे कहूँ ये खर्चे डाल देना, लेकिन जब मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करने को दूं तब मैं कुछ और खर्चे अलाउ कर सकती हूँ, ऐसा या नहीं? तो इसलिए कभी भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को इसमें मत ले जाना और इसकी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में मत ले जाना। तो सबसे पहले क्या कर लेना कि सारे हेड्स की अलग अलग कंप्यूटेशन कर लेना। क्या कर लेना? सारे हेड्स की अलग अलग कंप्यूटेशन कर लेना कि मेरे को इस हेड में इतनी इनकम आ रही है। क्लियर हुआ हेड्स में इनकम आने का पर्पज? हाँ, अब कई लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कई लोगों को, जब लोग आप ITR भरते हो, बुरा मत मानना, आपको एक इनकम आती है कमीशन इनकम। मैंने कई लोगों को देखा है, किसी को 5,000 का इनकम आता है, किसी को 10,000 की, वो कमीशन इनकम को ले जाते हैं अदर सोर्सेज में। किस में ले जाते हैं? अदर सोर्सेज में। भाई कमीशन इनकम
अगर हम लॉ पढ़े तो लॉ में पार्ट किसका है? बिजनेस इनकम का किसका है। लेकिन आईटीआर भरते समय तुम किस में ले गए? अदर सोर्सेज में। तो क्या ये जो वॉयलेशन हुआ या नहीं हुआ पहले बताओ, क्योंकि यहाँ पर हमारे को करेक्ट हेड में रिपोर्ट करनी है। सर हमें तो आज तक नोटिस नहीं आया। अबे तुम चोर हो और तुम आज तक चोरी करते हुए पकड़े नहीं गए, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम चोरी नहीं हो? हाँ तुम ये कह रहे हो सर मैं तो आज तक पकड़ा ही नहीं गया। अरे भाई चोर तो हो, इसका मतलब आपकी रिटर्न गलत तो फाइल हो रही है। अगर आप पकड़े नहीं गए इसका मतलब ये नहीं है सही फाइल हो रही है, आज नहीं तो कल फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कपिल जैन की इनकम कैलकुलेट करनी है और फिर उसकी डिफरेंट हेड्स में कैलकुलेट करनी है। किस में करनी है? डिफरेंट हेड्स में। और डिफरेंट हेड्स के लिए क्या बना रखा है हमने? डिफरेंट P&L अकाउंट बना रखा है, उसके अलग अलग नियम है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? हाँ। लेकिन आपको मिक्स नहीं करना। कई लोग कैपिटल गेन का P&L बनाना ही नहीं जानते, वो कहते हैं छोड़ इसे अदर सोर्सेज में ले जा, उसका P&L बनाना आसान है। तो ऐसा नहीं करेंगे, समझ में आई मेरी बात या नहीं? हाँ जी क्लियर है। सबकी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ लोग गवर्नमेंट का पागल बनाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कैसे। मैं सारे एग्जाम्पल अपने नाम से लूँगा, लेकिन इस वीडियो को देखने बाद कोई ये ना बोले कि कपिल जैनी सारी चोरी करता है, ठीक है। मैं सारे एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुझे 5 हेड की इनकम है, ठीक है ना, सारी बातें सच नहीं है ये, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, करना तो पड़ेगा। अब मेरा क्या है, इनकम टैक्स में एक बात और बता दूँ मैं तुम्हें, हालांकि तुम्हें ये बातें पता हैं, लेकिन हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि ये वाली क्लास कोई नया बच्चा देख रहा हो जिसे किसी को ना पता हो, तो हम उस बातों को भी यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे, आप बोर मत होना। हमें ये पता है कि इन जो टैक्स लगता है किस चीज़ के लिए लगता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, किस में, सोसाइटी में, कौन सी सोसाइटी तुम्हारी, तरंग अपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें भी। लेकिन हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, इंडिया भी क्या एक सोसाइटी है, और उसमें रहने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुम टैक्स नहीं देना चाहते तो तुम अफगानिस्तान जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए टैक्स देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ और जहाँ पर जितनी आप डेवलप कंट्री में जाओगे वहाँ पर टैक्स ज़्यादा होगा। अगर आप बात करते हो कि मैं कनाडा चले जाऊँ, अगर मैं बात करते हो US चले जाऊँ, तो वहाँ पर टैक्स ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों हो सकता है? वो आप ही के ऊपर खर्च कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ ज़्यादा है। अब ये जो टैक्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स तो क्या है कि भाई जिस व्यक्ति पर लगा हम उससे ही लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा कहाँ लगाओगे इंजेक्शन? मैं उन्होंने कहा हाथ पे लगा देंगे तुम्हारे। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, दर्द होगा या नहीं होगा? मुझे ही दर्द हो रहा है, मुझे ही इंजेक्शन लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स है। अब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ये इंजेक्शन बहुत हाई है, ठीक है ना, तो आप मुझे ये इंजेक्शन मतलब कह रहे कपिल जैन ठीक होना है तो लगाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसे इंजेक्शन लगाओ कि मुझे दर्द ना हो। डॉक्टर साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे को बार बार इंजेक्शन लगने, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को क्या लगा दी, ग्लूकोज टांग दी, ग्लूकोज लगा दी, और अब की बार इंजेक्शन मुझे नहीं लगाया, किसे लगाया इंजेक्शन, उस बोतल को लगाया, होता है ना ऐसा, हैवी इंजेक्शन बोतल को लगाया। क्या वो इंजेक्शन लगा किसे? अल्टीमेटली तो मुझे ही लगा, बोतल से उसमें जो ग्लूकोज आ रहा था उससे मुझे लग गया। तो वो हो गया क्या चीज़, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बड़ा खुश हो गया कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगा, लेकिन लगा तो मुझे ही, बीच में किसका सहारा लिया गया, उस ग्लूकोज की बोतल लगा। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? यानी मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, किसी ने दिए नहीं होंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है, समझ आई मेरी बात? यानी तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसे लगता है, ठीक है, उसी को दर्द होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, GST की तरह, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, GST की तरह। भाई जैसे गवर्नमेंट ने लिया मुझसे, मैंने लिया तुमसे, तो मेरे को तो दर्द हुआ ही नहीं, क्लियर है या नहीं है? तुम्हें भी ज़्यादा दर्द नहीं हुआ क्योंकि तुम पूरा दिन घूम फिर के आ गए, रात शाम को आके पूछा तुम टैक्स देते हो, तुमने कहा मेरी तो इनकम ही नहीं है, मैं टैक्स देता ही नहीं, लेकिन आप टैक्स दे रहे हो। ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है
जो टैक्स ना देता हो, वो बात अलग है, वो डायरेक्ट नहीं देते, कौन सा देते, इनडायरेक्ट देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि डायरेक्ट टैक्स में खूबी है, वो कहता है कि जितने बड़े तुम बनते जाओगे उतना ज़्यादा टैक्स लेते रहेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में ये खूबी नहीं है, वो कहता है चाहे अंबानी हो सब पे बराबर, लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या कहता है, जितने बड़े तुम बनते जाओगे उतना हम टैक्स लेते रहेंगे। तो हुआ क्या, मैं कपिल जैन, ठीक है ना, मेरी क्या हो गई, मेरी इनकम 15 लाख रुपए हो गई, कितने लाख हो गई, 15 लाख रुपए। अब जब मेरी इनकम 15 लाख रुपए हो गई, उस पर मुझे जो टैक्स लगने लगा 30% लगने लगा। अगर मेरी इनकम 8 लाख रुपए रहती तो मेरे को टैक्स कितना लगता, 20%, कितना, तो जो व्यक्ति जितना बड़ा उसे उतना ज़्यादा टैक्स। जैसे ही मेरी इनकम ये 15 लाख हुई, ठीक है, तो मेरे मन में एक शरारत सूझी कि ये टैक्स से कैसा बचा जाए। तो मैंने इस टैक्स से बचने के लिए क्या करा, शादी कर ली। सर शादी करके टैक्स बचाओगे, मैंने कहा हाँ। शादी करके मैंने क्या करा, अपनी कुछ इनकम अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी। सर कैसे ट्रांसफ़र कर दी, मेरे पास 20 लाख रुपये थे बैंक अकाउंट में, और उसमें मुझे FD में इंटरेस्ट आता था, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आता था। तो मैंने ये 20 लाख रुपए किसके नाम ट्रांसफ़र कर दिए, अपनी वाइफ के नाम। अब वो इनकम उसे आने लग गई या नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में इनकम है किसकी, कपिल जैन की, ठीक है। फिर मेरी इनकम 20 लाख और बढ़ गई, ठीक है, मेरे बच्चे हुए, मैंने अपने बच्चों का सेविंग अकाउंट खुलवा दिया। जैसे ही बच्चा 5 दिन का 2 दिन का 4 दिन का हो, मैंने कहा इसका अकाउंट खोल दो, खुल जाता बच्चों का अकाउंट या नहीं, हाँ, एक साल के बच्चे का भी खुल जाएगा, या कोई लिमिट होती है कि जब बच्चा इतना होगा तभी खुलेगा। बच्चे का हमने अकाउंट खुलवा दिया और बच्चे के अकाउंट में 20 लाख रुपये डाल दिए। गवर्नमेंट पूछ रही है 20 लाख रुपये कहाँ से आए, मैंने कहा हमें क्या पता, बच्चे का जन्मदिन हुआ था, चाचा मामा ताऊ ताए सब दे गए, उसके पैसे। गवर्नमेंट को पता चला ये उसके पैसे नहीं है, ये किसके पैसे हैं, कपिल जैन ने पैसे बच्चे में डाले। ऐसा कर सकते हैं टैक्स प्लानिंग या नहीं। तो गवर्नमेंट ने इस टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट बना रखा है जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या बना रखा है, क्लबिंग ऑफ इनकम, आप इसे नोट कर सकते हो। ये क्लबिंग ऑफ इनकम आप अपने में यूज ही नहीं करते, और आधे लोग तो इसलिए यूज नहीं करते, कह रहे गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट लॉ पढ़े, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एग्जैक्ट लॉ क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्या होता है जी, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है कि जो इनकम तुम्हारी है उस पर तो हम टैक्स लेंगे लेंगे, लेकिन जो इनकम तुम्हारी नहीं है हम वो तुम्हारी मान लेंगे और वो तुम्हारी इनकम में ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हमें कौन से प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। लेकिन क्लबिंग कब करेंगे, पहले सारे हेड्स की इनकम अलग अलग कैलकुलेट करके फिर हम कहेंगे बताओ तुम्हारे बच्चों की इनकम कितनी है, तुम्हारी वाइफ की इनकम कितनी है, और हम उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है, अगर लड़के की इनकम होती है तो पापा में जोड़ेंगे, है ना, और लड़की की होती है तो मम्मी में, ऐसा है क्या, पापा में ही जुड़ेगी, क्यों, हाँ पापा ही मास्टर है, सब लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। मैंने एक से पूछा कि तुम बार बार ये क्यों कहते रहते हो लड़का हो, कहते लड़का हुआ तो पापा में इनकम जुड़ती है इनकम टैक्स में, लड़की हुई तो मम्मी में। मैंने कहा ऐसा नहीं, तो फिर कैसे, जो ज़्यादा प्यार करता है, हाँ, जो ज़्यादा प्यार करता है उसमें इनकम जुड़ेगी, जो ज़्यादा कमाता है, जो ज़्यादा, चाहे मम्मी ज़्यादा कमाए चाहे पापा ज़्यादा कमाए, इनकम किस में ऐड होती है, जो ज़्यादा कमाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब भी किसी के बच्चे हों और वो आपसे ITR भरवाने आए तो उससे उसके बच्चों की पासबुक मंगवानी है, किसकी पासबुक मंगवानी है, बच्चों की पासबुक मंगवानी है, और बच्चों की पासबुक में इंटरेस्ट इनकम चेक करनी है, और बच्चों की पासबुक में अगर इंटरेस्ट इनकम आई है 10,000, 20,000, 50,000, वो इनकम किस में ऐड करनी है, पापा या मम्मी। पहले दोनों की ITR देखोगे, फिर देखोगे कि किसकी इनकम ज़्यादा, उसमें उसे ऐड कर लोगे। क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम समझ में आया, करते हो तुम क्लबिंग ऑफ इनकम, ईमानदारी से बताओ ITR भरते समय, हाँ, कोई नहीं करता, इसीलिए तो इनकम टैक्स
बेचारा कह रहा मैं तो बना के रखा हूँ, कोई यूज ही नहीं करता मुझे। ठीक है, नहीं 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 यहाँ पर आपको ये समझना होगा। अब इन्होंने बोला कि सर कपिल जैन ने अपनी वाइफ को 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए और 20 लाख रुपए पे मेरी वाइफ को इंटरेस्ट मिल गया, लेट सपोर्ट 4 लाख रुपए, और मेरी इनकम कितनी थी 10 लाख। अगर ये वाली इनकम भी मेरी इनकम में ऐड हो जाती तो मेरी इनकम कितनी हो जाती, 14.5, मेरे पे 4.5 लाख रुपए पे 30% टैक्स लग जाता या नहीं। लेकिन ये इनकम मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी तो मेरी वाइफ की इनकम कितनी रही, सिर्फ 4.5 लाख, और इस पर टैक्स क्या है नील। तो ये मत कहना कि हम वाइफ की इनकम इसलिए क्लब नहीं करते क्योंकि वाइफ खुद आईटीआर भरती है। अगर उसने अपनी आईटीआर भर के ये इनकम शो भी कर दी और वो इनकम थी तुम्हारी तो भी तुमने गलत किया है। एग्री कर रहे हो मेरी बातों से यानी, बोलो। हाँ, तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर उसकी इनकम निकालेंगे, फिर उसके हेड सेपरेट करेंगे, उन सारे हेड्स को टोटल करेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो आज के बाद जब भी कभी किसी क्लाइंट की कंपटीशन बनाओ तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, चाहे उस हेड में इनकम ना हो लेकिन तुम्हें ऐड 5 हेड लिखना पहले, फिर क्या ऐड करना, क्लबिंग ऑफ इनकम, चाहे उसके सामने डैश लिख दो। उससे क्या होगा, तुम्हारी हैबिट रहेगी, क्या रहेगी तुम्हारी हैबिट, ठीक है। और क्लाइंट को 2-4 शब्द ऐसे पता चलेंगे जो वो जानता ना हो, ठीक है ना, जो उसे समझना है, ठीक है, क्लियर है या नहीं। हाँ, कोई दिक्कत, बोलो। चलो, तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लबिंग ऑफ प्रोविजन। क्लबिंग में ज़्यादातर किसकी इनकम क्लब होती है, स्पाउस की, ठीक है ना, और माइनर चाइल्ड की, किसकी, माइनर चाइल्ड की। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है लड़ाई। लड़ाई कैसे, ठीक है, हम दो वर्ड्स यूज़ करेंगे, एक वर्ड होता है सेट ऑफ, क्या होता है, एक दूसरा वर्ड होता है कैरी फॉरवर्ड, क्या होता है। ये दोनों वर्ड एक ही होते, अलग अलग होते हैं, लेकिन कई लोग इस वर्ड्स को एक ही में ऐड कर देते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड क्या है, अलग अलग। तो हम दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझना चाहते हैं। पहला वर्ड है सेट ऑफ, क्या है जी, सेट ऑफ। अब इस बात को समझना, मैं कपिल जैन, मैंने एक बिजनेस करा, मेरे दो बिजनेस है, दो बिजनेस हो सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं, बोलो भाई। मेरा एक बिजनेस है, लेट सपोज पार्टनरशिप फर्म का, और एक केजे क्लासेस का। अब केजे क्लासेस में मुझे 1 लाख का लॉस हो गया, और दूसरा जो मेरा बिजनेस है उसमें मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि 2 लाख रुपए पर तो टैक्स दे दो और 1 लाख को भूल जाओ, ऐसा कहेगी गवर्नमेंट ने कहा देख तेरे दो बिजनेस है ना, तो इन बिजनेस में ना अगर तेरा कोई लॉस हुआ है तो इसे क्या कर ले, सेट ऑफ कर ले, क्या कर ले, सेट ऑफ, क्या कर ले, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया, एक का प्रॉफिट एक का लॉस, आसर में सेट ऑफ। और ये दोनों किसके हेड के थे, बिजनेस हेड्स, क्या थे, एक बिजनेस के लॉस को एक बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ करा, तो हम इसे बोलते हैं सेट ऑफ विद इन हेड, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ विद इन हेड, या विद इन हेड को हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रा हेड, क्या बोल सकते हैं, सुना है ना इंट्रा और इंटर, हाँ, तो क्या बोला, इंट्रा हेड, क्या बोला, इंट्रा हेड, कि आपस में इन्होंने सेटअप कर लिया। कहानी क्लियर हुई। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा बिजनेस है और मेरी सैलरी इनकम भी है। अब मैं सैलरी इनकम कमा के लाया 20 लाख रुपए साल की, और मैंने एक बिजनेस खोल रखा है उसमें मुझे 10 लाख का नहीं, 19 लाख का लॉस है, हो सकता है या नहीं, तो बोलो सेटअप करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए ना। हाँ, पूरी दुनिया 1 रुपया भी टैक्स नहीं देगी अगर हम इसे ऐसा सेटअप करा दें, तो क्या टैक्स आएगा गवर्नमेंट पे, नहीं, कैसे नहीं आएगा। मैं कहूँगा मुझे 20 लाख की सैलरी आई, पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, रात को आके आधे घंटे के लिए मैंने एक बिजनेस चलाया हुआ है, उसका दुकान खोलता हूँ और उसका दुकान का किराया जाता है 2 लाख रुपये महीना, तो हमेशा क्या हो जाएगा मेरे बिजनेस में, लॉस ही होगा और सैलरी में प्रॉफिट होगा। तो क्या गवर्नमेंट ऐसे एडजस्टमेंट करने देगी,
गवर्नमेंट ऐसे एडजस्टमेंट नहीं करने देगी। तो इसलिए सेटअप के क्या बनाए गए हैं, नियम। क्या बनाए गए, नियम। उन्होंने कहा ऐसा नियम बनाया जिसमें कि आपको अच्छा ये वाला जो नियम बनाया था ये ठीक नहीं था क्या, एक बिजनेस में प्रॉफिट एक बिजनेस में लॉस, ये तो ठीक था ना यार, लेकिन ये वाला नियम गलत है, सैलरी और बिजनेस गलत है ना, लग रहा है ना तुम्हारा शैतानी दिमाग जाग जाएगा, सब यही करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, सेटअप के नियम। क्या बनाए, सेटअप के नियम। तो हम उन सेटअप के नियम को देखेंगे जिससे कि हमारा टैक्स कम से कम आए, हो सकता है ना भाई। अब जैसे कि ये बिजनेस के साथ बनाया गया है लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी के साथ नहीं है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में क्या है मेरा लॉस, क्या है हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, और सैलरी में क्या है इनकम, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से क्या हो जाता है, सेटअप। तो मैंने आपको दो एग्जांपल बताए सेटअप के, एक हाउस प्रॉपर्टी के साथ और एक बिजनेस के साथ। बिजनेस वाले के लिए गवर्नमेंट मना करती है, सैलरी वाले और हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाँ करती है। क्लियर है मेरी बात, यानी तो हमें सेटअप के नियम पढ़ने चाहिए यानी, हाँ बोलो, या बिना बड़े काम चला ले। जो व्यक्ति ने सेटअप के नियम नहीं पढ़े वो अपने क्लाइंट से ज़्यादा टैक्स दिलवाएगा। क्लियर है। अब हुआ क्या, एक हेड है कैपिटल गेन, पता है ना आपको, मैंने पहले ही आपको इसलिए नाम बता दिया कोई अचंभित ना हो। अब कैपिटल गेन में क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया। अब वो लॉस क्या है, पहले तो हम करेंगे इंट्रा हेड, मतलब कैपिटल गेन में ही एडजस्ट, वहाँ नहीं हो रहा। फिर हम करेंगे इंटर हेड, मतलब कैपिटल गेन को बिजनेस से सैलरी से, वहाँ भी नहीं हो रहा। तो ये लॉस का लॉस रह गया, ये लॉस का लॉस रह गया, हो गया लॉस का लॉस। एडजस्टमेंट नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही, एडजस्टमेंट नहीं मिल रही। अगले साल में गया, अगले साल मुझे कैपिटल गेन में क्या हो गया, प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट पता क्या कहती है कि रात गई बात गई, ऐसे कहती है कि यहाँ पर हमें टैक्स दे दो और ये लॉस की बात तो ख़त्म पिछले साल की थी, ऐसा कहेगी नहीं, कहेगी वो क्या कहेगी कि तेरा अगर पिछले साल का भी लॉस है वो मैं करंट इनकम से क्या कर दूंगी, सेट ऑफ, क्या कर दूंगी, लेकिन करंट इनकम से सेट ऑफ कर दूंगी। लेकिन उसके लिए जब तू पिछले साल की इनकम भर रहा होगा, ITR भर रहा होगा, तो इस लॉस को तुझे क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड। क्या चीज, कैरी फॉरवर्ड, कि जो लॉस हमारा रह गया जिसे हम एडजस्ट नहीं कर पाए उसे हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, किसके लिए, अगले साल के लिए। और जब हम अगले साल उसे एडजस्ट कर लेंगे उसे बोलेंगे वहां पे सेट ऑफ। तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में अंतर आया समझ में, यानी हाँ, सेट ऑफ का मतलब क्या है, सेम ईयर में एडजस्ट करना, कैरी फॉरवर्ड का मतलब है जो एडजस्ट नहीं हुआ उसे क्या करना, कैरी फॉरवर्ड। लेकिन ये वाली प्रक्रिया कब अपनाएंगे, पांचों हेड्स की इनकम लेंगे और फिर क्लबिंग करेंगे, फिर उसके बाद सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है, चलो जी, हमने वो भी कर लिया। अब उसे करने के बाद हमारी जो इनकम निकल कर आएगी उसे हम बोलेंगे GTI। क्या बोलेंगे, GTI, ग्रोस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे कि बेटा अब तुम नहीं बच पाओगे, अब तुम्हें इस पर टैक्स देना पड़ेगा, और इसका नाम है GTI। क्या है इसका नाम, GTI, ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, अब जब हमारी टोटल इनकम आ गई, जब हमारी ग्रोस टोटल इनकम ये निकल कर आ गई है ना, अब हमारी ग्रोस टोटल इनकम ये निकल कर आ गई, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें लालच दिया। क्या दिया, लालच, कि तुम्हारी पास ग्रोस टोटल इनकम निकल कर आई 15 लाख रुपए, और हमें पता तुम्हारे घर के खर्चे हैं 3 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा शादी हो गई तो 4 लाख रुपए, बच्चे हो गए तो 5 लाख रुपए। ठीक है, खर्चे ऐसे ही तो बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम 15 लाख है और तुम्हारे खर्चे हैं 5 लाख के, तो 10 लाख रुपए तो तुम्हारे मजे आ गए, तो 10 लाख रुपए तुम्हारे को प्रॉफिट हो रहा है हर साल, टैक्स तो तुम दे ही रहे हो। लेकिन हमारे को ये अंदेशा है कि तुम ये 10 लाख रुपए अपने भविष्य के लिए नहीं बचाओगे, इसे तुम अपनी बीवी के कहने पे गोवा में उड़ा दोगे। ठीक है, अगर तुम्हारे दोस्तों के कहने पे IPL में उड़ा दोगे, ठीक है, तुम इस पैसे को कहीं ना कहीं उड़ा सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, तुम्हें लालच देती है, कहती है ये पैसा हमारे पास ले आओ, तुम ये पैसा हमारे पास ले आओ। मैंने कहा तुम्हारे पास लाएंगे तो क्या होगा, कह रहे देखो हम अपने पास रखेंगे, हम इसे अच्छे कामों में लगाएंगे,
और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे, हम ये पैसा तुम्हें दे देंगे, ठीक है ना। तो उस चीज को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कहती है अगर हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम तुमसे टैक्स में छूट दे देंगे। कैसे छूट दे देंगे? तुम्हारी इनकम कितनी थी, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी? 15 लाख। अगर तुमने हमारे यहाँ से इन्वेस्ट, वैसे तो तुम्हें कितने पे टैक्स देना है? 15 लाख पे। हम नहीं कहते तुम इन्वेस्ट करो, 15 लाख तुम्हारे हैं, हमें टैक्स दो और जाके गोवा में उड़ाओ। लेकिन अगर उस 15 लाख में से तुमने 3 लाख रुपए हमारे हिसाब से कहीं जमा कर दिए, हमारे हिसाब से जमा कैसे कर दिए, LIC में जमा कर दिए, ठीक है, मेडिक्लेम करा लिया, FD में कर दिए, PPF में जमा कर दिए, मतलब ऐसी जगह जमा कर दिया जहाँ से तुम निकाल भी ना पाओ जल्दी से, तो हम तुम्हारे को 3 लाख रुपए की क्या दे देंगे, डिडक्शन। अगर तुम अच्छे माँ बाप हो तो डिडक्शन दे देंगे। अच्छे माँ बाप कैसे? अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ा के किस में पढ़ा रहे हो, प्राइवेट में, ठीक है ना। तो हम तुम्हें क्या देंगे इसकी, डिडक्शंस क्या देंगे। लेकिन डिडक्शन कब? जब तुम हमारे हिसाब से चलोगे। तो डिडक्शन दे देंगे तो हम तुमसे टैक्स किस पे लेंगे? अब बताओ, 12 लाख पे टैक्स ज़्यादा आएगा या 15 पे? 15 पे आएगा ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने क्या दिया है तुम्हें, लॉलीपॉप क्या दिया है, लॉलीपॉप। डिडक्शन लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मत लो, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति क्या चाहेगा, डिडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेना। कुछ तो ईमानदारी से लेते हैं, कुछ बेईमानी से लेते हैं। हम बात करेंगे ईमानदारी की। तो यहाँ पर हमें वो डिडक्शन लेनी है जो हमें मिल जाए। अगर किसी प्रोफेशनल को डिडक्शन का चैप्टर नहीं आता तो वो टैक्स ज़्यादा दिलवाएगा कम? ज़्यादा दिलवाएगा। क्लियर है? तो मैं आपको ऐसी ऐसी डिडक्शन बताऊंगा जिससे तुम्हारी इनकम कम हो जाए और वो जेन्युइन हो। क्या है जेन्युइन? कई लोगों को पता ही नहीं होता डिडक्शन भी मिलेगी, है ना। अब जैसे मान लो सीनियर सिटीजन हो तुम, अब सीनियर सिटीजन ट्रेन में गया, पूरा टिकट ले गया, गवर्नमेंट को कोई नुकसान है क्या? नहीं। लेकिन अगर वो वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखा देता तो उसके टिकट में क्या मिल जाती उसे, डिडक्शन। तो डिडक्शन तो वही व्यक्ति ले सकता है जिसे उसके बारे में पता हो। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है या नहीं है, तो इसलिए हम एक चैप्टर डिडक्शंस पढ़ेंगे। किस लिए? GTI में से उसे लेस करने के लिए। तो जब हम GTI में से उसे लेस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या हो गया जी? टोटल इनकम। क्या निकल गया? टोटल इनकम। तो जब हमारी टोटल इनकम निकल कर आई, ठीक है जी, टोटल इनकम जो निकल कर आई, अब उस पर क्या निकलेगी, टैक्स लायबिलिटी। क्या निकलेगी? लायबिलिटी। क्लियर हुआ यहाँ तक फ्लो या नहीं? हाँ, एक बार दोबारा से रिपीट करो। फ्लो क्या होता है पहले, अभी रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर सारे हेड्स में अलग अलग डिवाइड करना, फिर उसके बाद कंप्यूटेशन करना अलग अलग हेड्स की, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्लबिंग करना, क्लबिंग के बाद सेटअप ऑन कैरी फॉरवर्ड, फिर क्या निकल कर आएगी, GTI, GTI में से क्या लेस करेंगे, डिडक्शंस, फिर क्या आएगी, टोटल इनकम, टोटल इनकम पे क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। क्लियर हुआ? टैक्स लायबिलिटी तक का फ्लो समझ आया? जी आपका क्वेश्चन बताए। अब देखो, हम आज के चैप्टर में ना ये नहीं पढ़ रहे कि क्या छूट मिलती है क्या नहीं, हर चीज़ की पूरी जानकारी उसके डिफरेंट चैप्टर में होगी, ठीक है। तो जब हम वो चैप्टर करेंगे हम वो चीज़ों को देखेंगे, लेकिन मैंने आपको फ्लो पहले ही समझा दिया। अब यहाँ पर निकल कर आ गई टैक्स लायबिलिटी। अब भाई ये टैक्स लायबिलिटी तो पे करनी है। ये टैक्स लायबिलिटी 3 तरीके से पे होती है। कितने तरीके से पे होती है, तो मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ कि हम कैसे कैसे इस कोर्स के अंदर बढ़ेंगे। तो 3 तरीके से पे होती है टैक्स लायबिलिटी निकलने के बाद। पहली होती है एडवांस टैक्स से, दूसरी होती है TDS से, और तीसरी होती है सेल्फ असेसमेंट टैक्स से, ठीक है। ये 3 तरीके से हम लायबिलिटी पे करते हैं, और लायबिलिटी पे करने के बाद फिर क्या फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। और जब इस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, और फाइल करने के बाद हम क्लाइंट से मांगते हैं 250 रुपये। कितने रुपये? कुछ लोग महान होते हैं, वो 250 की जगह 500 भी मांग लेते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग 1000 भी मांग लेते हैं, और कुछ
बुरा मत मानना, एक बात बताता हूँ मैं। एक बार मैंने एक प्रोफेशनल से पूछा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, मैंने उनसे पूछा कि सर आप एडवांस में पैसे नहीं लेते, सबका काम कर देते हो, साल भर बाद पैसे लेते हो, 2 साल बाद पैसे लेते हो। और उनके पास पता कितनी फाइलें थी, आप बिलीव कीजिएगा, उन पर 450 क्लाइंट थे। तो मैंने कहा सर मेरे पास है क्लाइंट 50 और तुम्हारे पास है 450 क्लाइंट, इसका फ़र्क समझाओ। कह रहा सर आप जीते हो आम जिंदगी, हम जीते हैं मेंटोस जिंदगी। मैंने कहा कैसे, मैं भी मेंटोस जिंदगी जीऊँगा। कहते हो सर आपके पास क्लाइंट आ जाएगा क्योंकि आपके पास है नॉलेज, टैलेंट, डिग्री, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, सब्र। मैंने कहा क्या मतलब, कहते आपके पास जो क्लाइंट आता है वो आता है नॉलेज से, टैलेंट से, डिग्री से, ठीक है वो आपके पास आ जाएगा, और आपके पास सब्र नहीं है इसलिए क्लाइंट रुकता नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब, कहता तुम फीस मांग लेते हो उससे, वो भाग जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हारे पास कैसे आता है, वो कहता सर मेरे पास नॉलेज थोड़ी सी कम हो सकती है, टैलेंट थोड़ा सा कम हो सकता है, डिग्री शायद मेरे पास ना हो, लेकिन मेरे पास सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है, सब्र। मैं पैसे मांगता ही नहीं, मैं क्लाइंट से पैसे मांगता ही नहीं, और क्लाइंट को क्या चाहिए, सब्र। तो वो कहता है जो क्लाइंट टैलेंट की खोज में जाते हैं, जो क्लाइंट एक्सपर्टीज में जाते हैं और डिग्री पे, वो जाते हैं तुम्हारे पास, और जो व्यक्ति सब्र के होते हैं जिन पे पैसा कम होता है वो आता है हमारे पास। और अगर हमने ये सब्र भी खो दिया, हम भी तुम्हारी तरह हो जाएं, तो हमारे 450 में से हमारे पास 4 रह जाएंगे। कहता सर ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये क्या हमारी। मैंने कहा पैसे मरते नहीं, कह रहा मर गए, कितने मर गए, कह रहे कितने मर जाएंगे, 450 में से 50 क्लाइंट मार लेंगे, 20 क्लाइंट मार लेंगे, फिर उतने ही ऐड हो जाएंगे। तो कहते हैं सर ये रिस्क हमें लेना पड़ता है, जिस दिन तुम ये रिस्क लेने पड़ोगे तो हमारी दुकान हो जाएगी बंद। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं सर प्रोफेशनल में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में और फीस का अंतर क्यों होता है, मैं कहता हूँ इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहा हो, तो अगर तुम भी सब्र पाल लो तो तुम्हारे क्लाइंट्स भी बढ़ जाएंगे। सर कपिल जैन की प्रैक्टिस क्यों नहीं बढ़ी, मेरे अंदर सिर्फ यही नहीं था। जब तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, हर 3 महीने में किसी ना किसी क्लाइंट से लड़ाई होती रही। मुद्दा लड़ाई का ये नहीं था काम गलत करा, मुद्दा लड़ाई का क्या था, सिर्फ पैसे। और वो क्लाइंट मेरे ही स्टूडेंट के पास जाते रहे एक दो। मैंने उनसे पूछा ये तुम्हारे पास क्यों रुक गया, कह रहा सर मेरे पास क्या है, सब्र है। कह रहा यही तो आज की डेट में ज़्यादा है, आप समझे, ये एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी आए ना कि अकाउंटेंट के पास 500 फाइल वर्सेस सीए के पास 50 फाइल, तो उसका ये एक आंसर है। गलत कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ, हाँ सही कह रहा हूँ ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं मैं तो पढ़ा लेता हूँ, प्रैक्टिस छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अब अकाउंटेंट पढ़ा तो सकते नहीं ना, कम कम होते हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस उनके लिए छोड़ दी और पढ़ाने का काम अपने लिए, ठीक है। हम कहाँ पे थे, तुमने बुलवा दिया मुझे, टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी निकालने के बाद, TDS TCS करने के बाद तुम लेते हो 250 रुपये, क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम ITR भरने की शुरुआत ही पीछे से करते हो। तुम ITR भरने की शुरुआत ही पीछे से करते हो कि टैक्स कितना है, लो तुम्हारी ITR भर गई। और बीच में जो सब बोला ना मैंने, ये कहते हो सब बकवास है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना, पांचों हेड में कैलकुलेशन करना, क्लबिंग करना, सेटअप कैरी फॉरवर्ड करना, डिडक्शन निकालना, सब बेकार की बात है। तुम बताओ टैक्स कितना देना, 250-500 दो। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, बताओ वो पैसे ज़्यादा लेगा या नहीं, हाँ। लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको खुद लगेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने ITR बिल्कुल सही फाइल करी है। तो मेरे दोस्त इस बात को ध्यान रखना, अगर आप इनकम टैक्स सीख रहे हो और उसके बाद भी अगर 250 रुपये की रिटर्न भर रहे हो, तो ये आप में बड़ी दिक्कत है। जब आप किसी क्लाइंट को अपनी कंप्यूटेशन बना के दो, पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल के दो। सबका निकलेगा रेजिडेंट ही, लेकिन निकाल कर दो, उसे 2 लाइन लिख कर दो कि योर रेजिडेंशियल स्टेटस इज रेजिडेंट एज पर सेक्शन 456 जो भी है,
समझ रहे हो, फिर उसके पांचों हेड्स की इनकम निकाल कर दो, चाहे उसमें जीरो जीरो डालो, क्या डालो, जीरो जीरो डालो, फिर क्लबिंग लिख कर दो, चाहे नील डालो, फिर सेटअप कैरी फॉरवर्ड लगाओ, फिर डिडक्शन लगाओ, तो उसकी जो कंप्यूटेशन निकलेगी वो पूरे एक पेज की निकलेगी या नहीं? हो सकता है दो पेज की भी निकल जाए, हाँ। और अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल अकाउंटेंट करेगा वो कहेगा हाँ भाई तेरी इनकम किस में डालूँ, अदर सोर्स में डाल लूँ, चलो ऐसा करते हैं 44AD में भर देते हैं, और वो एक लाइन में 44AD में इनकम निकाल देता है 2.5 लाख रुपये, टैक्स निकाल देता है, नील हो गई तेरी रिटर्न्स। ऐसे मत करना, कैसे करना, रिटर्न्स का पूरा फ्लो, क्लियर है या नहीं? हाँ, अगर आप नॉर्मल भी, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास के दौरान, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको क्वेश्चंस दूँ जिसमें आप पूरा फ्लो करो, ठीक है। हालांकि जब हम सेपरेट सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी चैप्टर की इनकम निकलवाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हर बार क्या निकलवाएं तुमसे, टैक्स लाइबिलिटी, क्या निकलवाएं, और टैक्स लाइबिलिटी निकालते 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 तुम इतने परफेक्ट हो जाओ कि अगर मैं एकदम से बोलूँ ना, बस में चलते हुए कोई बोले तुमसे कि सर मेरी इनकम 6 लाख रुपए, टैक्स लाइबिलिटी निकालो, आप मुँह जवानी उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल के उसे दे दो। लेकिन आज की डेट में टैक्स लाइबिलिटी निकाल पाते हो मुँह जवानी आप? हाँ, आप कहते हो सॉफ्टवेयर में जाऊँगा ऑफिस में, सॉफ्टवेयर में फीड करूँगा, और जो सॉफ्टवेयर ने निकाल दी वही टैक्स लाइबिलिटी है। लेकिन हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर रखेंगे सिर्फ चेक करने के लिए, सॉफ्टवेयर रखेंगे जल्दी काम करने के लिए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर निकाल रहा है एक बार वो आपके अंदर मैनुअली निकालने की ताकत होनी चाहिए, तो इसका मतलब तुमने इनकम टैक्स को पढ़ा है। एग्री कर रहे हो मेरी बातों से? चले आगे। चलो अब इसके बाद क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लेते रहेंगे। जैसे इनकम की डेफिनेशन क्या है, असेसी की डेफिनेशन क्या है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशंस क्या है, तो जो जो डेफिनेशन की जरूरत होगी हम वो लेते रहेंगे। कुछ डेफिनेशंस आपको बताऊंगी, कुछ लेते रहेंगे। उसके अलावा हमारे दो हैं, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स और एक है रेट ऑफ इनकम टैक्स, कि भाई चार्ज कैसे होगा और इनकम टैक्स किस रेट से होगा, ठीक है। और मज़ा तब आएगा जब आप खुद से निकालने लग जाओ, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, हम सारी कैलकुलेशंस कोशिश करेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 के हिसाब से निकालें, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले रेट्स ऑफ इनकम टैक्स निकाल के देता हूँ कि क्या रेट्स है, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन कराऊँगा कि आप आज का फ्लो समझे या नहीं समझे, ठीक है, क्लियर है या नहीं। तो क्लास के अंदर आपको एक कैलकुलेटर लाना जरूरी है, मैं भी अपनी क्लास में देखो आज कैलकुलेटर लेकर आया हूँ, तुम्हें भी अपने साथ नेक्स्ट क्लास से कैलकुलेटर लेना है, एक अपनी नोटबुक रखनी है, प्रवचन की तरह क्लासों को नहीं सुनना है, ठीक है। जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूँ 5 मिनट का टाइम दिया करूँगा और उस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, ठीक है, जिससे तुम्हारे हैंड्स ऑन की प्रैक्टिस होती रहे, सॉफ्टवेयर की आदत ना पड़े। चलो तो हमने ये चीज़ पढ़ ली, ठीक है। टैक्स लेवी किस लिए होता है ये तो हमें पता ही है। अब ये जो पावर ऑफ लेवी टैक्सेस है ये हम आपको GST में पढ़ा चुके हैं, लेकिन हो सकता है तुमने हमसे GST की क्लास ना ली हो, तो फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि GST में भी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 265 ये कहता है कि कोई भी टैक्स अगर आप लगाते हो उसके लिए आपके पास अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के आप टैक्स नहीं लगा सकते। जब हम अथॉरिटी चेक करने जाते हैं तो आर्टिकल 246 में लिखी हुई है, जिसमें यूनियन लिस्ट, क्या जी, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में, किस में जी, एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इनकम टैक्स लगाने की, किसकी, इनकम टैक्स अदर देन ऑन एग्रीकल्चर इनकम, किस पे जी। अब जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स सुना होगा ना तुमने ये बातें, भाई लगता नहीं है, गवर्नमेंट लगा ही नहीं सकती, क्योंकि एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट पावर है टैक्स लगाने की वो किस पे है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन गवर्नमेंट बहुत, क्या कहूँ मैं,
बहुत समझदार है, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाती। तो अगर किसी फाइल के अंदर तुम किसी की आईटीआर फाइल कर रहे हो सकता है यूपी बिहार में किसी की कर रहे हो, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम आ जाए 50 करोड़, और तुम कहो इस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है, ऐसे मत अलग करना। जब भी कभी नॉर्मल इनकम के साथ, नॉर्मल इनकम कौन सी हो गई, जो मैंने आपको अभी बताई है, और अगर उसके साथ क्या ऐड हो जाए, एआई, एग्रीकल्चर इनकम, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगाया जाता है, उसे बोलते हैं पार्टिशल इंटीग्रेशन। एक वर्ड होता है, ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन, क्या होता है जी, पार्शियल इंटीग्रेशन एक वर्ड होता है, उसमें इस पर टैक्स लगाया जाता है। और जब हम उसका नेट सेल में रिजल्ट देखते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लग जाता है। मैंने क्या बोला, वैसे वैसे तो गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की, ना ही गवर्नमेंट लगा सकती, लेकिन जब भी कभी किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, दोनों इनकम होती है, उस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन से एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लग जाता है। वो हम आपको बताएंगे वो कैसे लगता है, ठीक है, लेकिन अभी अपने माइंड में ये चीज़ सेट करनी है, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है आपको, जब ये पांचों हेड्स हो जाए और अगर एग्रीकल्चर इनकम हो जाए तो रुक जाना है कि सर ने कुछ बताया था, यहाँ पर कुछ डाउट है, ठीक है, क्लियर है, चले आगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्लास समझ आ रही है, बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास, ऐसा तो नहीं लग रहा कि सब ये तो पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं चल रहा, हाँ ठीक है, हम एक सेट पैटर्न से चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये थ्योरी ना आपको खुद पढ़नी है घर पे, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया ना कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लो क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो इसमें एक दो चीज़ें और बता दूं मैं कि सेक्शन तो 1 से लेकर 298 होते हैं, शेड्यूल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, रूल्स हैं काफ़ी सारे, सेक्शंस बहुत ज़्यादा है इसमें ना, एक अंतर हो रहा है वो समझना, एक तो होता है सेक्शन, पता ही है तुम्हें, एक होता है सब सेक्शन, एक होता है क्लोज। तो सब सेक्शन और क्लोज में अंतर समझ लो, सेक्शन तो पता ही है, जैसे अगर हम जीएसटी के सेक्शंस की बात करें, ठीक है, सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, सेक्शन 11 में, लेकिन एक होता है क्लोज। एक सेक्शन के जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन्हें कई बार हम सब सेक्शन बोलते हैं और कई बार हम क्लोज बोलते हैं। याद करो जब हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं डेफिनेशन का, किसका, डेफिनेशन का, जब सेक्शन 2 पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन 2-1 कुछ और कहता है, 2-2 कुछ और कहता है, तो वहाँ पर हम इसे सब सेक्शन नहीं बोलते, हम उसे क्या बोलते हैं, क्लोज, क्या बोलते हैं, क्लोज। ऐसा क्यों करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई सेक्शन एक कंप्लीट सेक्शन की फॉर्म में पढ़ा जाएगा, कंप्लीट सेक्शन की फॉर्म में कैसे, जैसे आपको मैंने सेक्शन 9 पढ़ाया, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, 5 सब सेक्शन थे। अगर हमें सेक्शन 9 को कंप्लीट समझना है तो क्या हमें 5 सब सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे या नहीं, तो अगर हम इन 5 सब सेक्शन को पढ़कर कोई रिजल्ट निकालते हैं तो हम तब इसे बोलते हैं सब सेक्शन, क्या बोलते हैं इसे। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन दी हुई है एग्रीगेट टर्नओवर की 2.6 में, जीएसटी की बात कर रहा हूं, है ना, एग्रीकल्चरिस्ट की दी गई है 2.7 में, तो क्या इन दोनों डेफिनेशन में आप में कोई मिलाप है या दोनों सेपरेट पढ़ी जा सकती है, तो जब ये दोनों सेपरेट पढ़ी जा सकती है तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, क्लोज, और अगर ये किसी एक के साथ ही पढ़ी जाएंगी तो क्या बोलेंगे, सब सेक्शन। ये यहाँ पर ये पॉइंट ऐड करना आप, ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको ये चीज़ पता है, फिर भी हम धीरे धीरे आते हैं। फाइनेंस एक्ट मैंने आपको बता दिया हर साल आता है, हाँ, तो अभी जो लास्ट में फाइनेंस एक्ट आया वो फाइनेंस एक्ट 2021 आया है 2022 कौन सा आया, तो फरवरी में जो फाइनेंस एक्ट आया तो वो फाइनेंस एक्ट यहाँ निकल कर आया 2021। अब इस फाइनेंस एक्ट ने बता दिया कि भाई आपको इनकम टैक्स के रेट क्या लगेंगे, अगले साल जो इनकम कमा रहे हो उस पर क्या लगेंगे,
उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स रूल मैंने आपको बता ही दिया 1962, ठीक है, एक्ट 1961, रूल्स 1962, सर्कुलर और नोटिफिकेशन आपको पता ही है। किसी भी चीज़ को यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या निकालती है, सर्कुलर। लेकिन ये सर्कुलर किस पे लगते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे, असेसी के ऊपर नहीं लगते। असेसी अगर चाहे तो अगर कोई बेनिफिट है सर्कुलर में वो ले सकता है, लेकिन सर्कुलर असेसी के ऊपर बाइंड नहीं होते। नोटिफिकेशन किस लिए होती है, बार बार रूल्स को चेंज करने के लिए। ये हमने पढ़ा है। केस लॉ हमने बताई दिया आपको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ होते हैं। हाई कोर्ट का जो केस लॉ होता है वो उसी स्टेट में लागू होता है। दूसरी स्टेट में अगर सिमिलर फैक्ट्स हैं या कुछ और अगेंस्ट में नहीं आया तो उसे यूज किया जा सकता है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, ठीक है। टोटल इनकम और टैक्स पेबल निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है, मैंने पहले ही बताया। पहले हम क्या निकालेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, पहला होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। लेकिन रेजिडेंट के अंदर भी क्या बना दिया, एक तो परमानेंट रेजिडेंट और एक NOR, नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। इसके बेसिस पर हमारे को किस पे क्या टैक्स लगेगा वो डिसाइड होता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ अंडर डिफरेंट हेड्स। तो हमने 5 हेड्स इनकम के पढ़े, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटेशन करेंगे ईच हेड के अंदर, है ना। बोलो जी, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्लबिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैरी फॉरवर्ड। फिर हमने उसके बाद क्या करा, कंप्यूटेशन के बाद क्या करेंगे, डिडक्शंस निकालेंगे। और डिडक्शन के बाद क्या निकल कर आएगा, टोटल इनकम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर चार्ट में एक बार बता दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रेट इन द टोटल इनकम, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, हाँ। अब इसमें एक दो चीज़ें और समझ लो। हमने टैक्स लगा दिया आपके ऊपर, टैक्स लगाने के बाद क्या गवर्नमेंट कोई छूट दे सकती है, यानी डिडक्शन नहीं कह रहा मैं, क्या कर रहा हूँ, रिबेट। क्या कह रहा हूँ, रिबेट। तो गवर्नमेंट ने एक रिबेट दे रखी है, क्या दे रखी है, रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, किसके अंदर, 87A। अच्छा, जो ये टैक्स रेट है क्या ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, यानी जो मैंने टैक्स रेट ऊपर बताए, ऐसा हो सकता है क्या कि बिजनेस इनकम पे टैक्स रेट कुछ और लगे और कैपिटल गेन पर कुछ और लगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ इनकम को हम बोलते हैं स्पेशल इनकम, क्या बोलते हैं, स्पेशल इनकम। जैसे तुमने जुआ खेला, लॉटरी निकल गई, क्या लॉटरी पर भी वही टैक्स ले ले 5%, हाँ। स्पेशल इनकम है तो टैक्स ज़्यादा ले, ऐसे ही कैपिटल गेन भी। तो ये हो सकता है कि सारी इनकम पर एक तरीके से टैक्स ना लिया जाए, इसीलिए तो हेड बनाए हमने। अगर सारी इनकम पर एक तरीके से टैक्स लेते, एक तरीके से कैलकुलेशन लेते, तो हेड बना के की जरूरत क्या थी, है या नहीं है। अब तुम याद करो, तुम एक सोसाइटी में गए, फिर तुम्हें सोसाइटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। सोसाइटी में बोला गया कि अगर तुम 5 फ्लोर तक रहते हो तो चार्जेज अलग लिए जाएंगे, 5 से 10 तक रहते हो तो चार्जेज अलग होंगे, ठीक है। अगर स्विमिंग पूल यूज़ करते हो तो चार्जेज अलग होंगे। तो यहाँ पर क्या है, हर चीज़ के चार्जेज अलग है। तो ऐसे ही हेड्स में क्या है, टैक्स रेट भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक को हम बोलेंगे स्लैब रेट, क्या बोलेंगे, स्लैब रेट का मतलब हो गया जनरल रेट, क्या हो गया, जनरल रेट, ठीक है। और हो सकता है कुछ इनकम स्लैब रेट से ऊपर टैक्स होती है, कुछ स्लैब रेट से नीचे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक वर्ड और ऐड करना है, क्या, रिबेट। क्या करना है, क्या ये रिबेट जरूरी है गवर्नमेंट सबको दे, हाँ बोलो। जरूरी तो नहीं है सबको रिबेट दे, तो रिबेट किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है। तो नोट कर लो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए एक रिबेट दी गई अंडर सेक्शन 87A, किसके अंदर, अंडर सेक्शन 87A। और उस रिबेट में लिखा गया
कि अगर किसी की इनकम अप टू रुपीज 5 लाख होगी, कितने रुपए तक होगी? अप टू रुपीज 5 लाख होगी तो आपको रिबेट मिलेगी अप टू रुपीज 12,500। तो ये रिबेट किसे मिली? सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिली जिसकी इनकम कब कितने तक है? अप टू 5 लाख। तो उसे रिबेट कितनी है? अप टू रुपीज 12,500। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इनकम 5,05,000 है तो क्या आपको रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्लियर है? कई लोग कहते हैं कि 5 लाख तक टैक्स ही नहीं है, ये गलत है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 2,50,000 रुपए तक हम टैक्स नहीं लेंगे। कितने रुपए तक हम टैक्स नहीं लेंगे? क्योंकि 2,50,000 को अगर 12 से डिवाइड करें तो महीने के कितने रुपए निकल कर आ गए? 20,000 रुपए। गवर्नमेंट कहती है हिंदुस्तान के अंदर 20,000 रुपए महीना या साल के 2,50,000 रुपए तो कोई भी व्यक्ति जो कमाएगा अपने बीवी बच्चों पे ही खर्च कर देगा, घर के खाने पीने में लग जाएंगे। ठीक है, एक लड़का कह रहा मेरी तो शादी नहीं हुई। अबे शादी नहीं हुई तो तेरी गर्लफ्रेंड में लग जाएंगे, पर तेरे पे बचेंगे नहीं। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने सबका ठीक है हिसाब किताब समझते हुए बोला है कि 2,50,000 रुपए तक अगर तू कमाता है तो तेरे पे नहीं लगेगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 2,50,000 तक हम तुमसे टैक्स लेंगे ही नहीं। एक व्यक्ति कहता है मेरी तो 65 साल की उम्र है या 67 साल की उम्र है। हमने कहा तेरे तो वैसे ही और खर्चे होंगे, तेरी तो बीपी की दवाई भी आती होगी, है ना, तेरी बीपी की दवाई भी आती होगी, शुगर की दवाई भी आती होगी। सर बुरा मत मानना, कभी सर बुरा मानने लग जाए, ठीक है ना। तो तेरी बीपी शुगर भी दवाई आती होगी, तो तेरे को तो 2,50,000 से ज़्यादा की इनकम चाहिए। कितनी? तो हम तेरे से 3,00,000 तक टैक्स नहीं लेंगे। एक व्यक्ति कहता है मेरी तो उम्र 85 साल है। कितने साल है? 85 साल है। हमने कहा तेरे को तो हर तीसरे महीने हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता होगा, ठीक है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, हो जाता होगा या नहीं? तो भाई तेरे को तो इनकम और भी ज़्यादा चाहिए। कितनी? 5 लाख। तो हम तेरे से 5 लाख तक भी टैक्स नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट ने जब स्लैब रेट्स बनाए, जब गवर्नमेंट ने क्या बनाए, स्लैब रेट्स बनाए, तो ये सबका ध्यान रखा गया। 2,50,000 तक नॉर्मल व्यक्ति तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, और 60 साल से ऊपर हो तो 3,00,000 तक टैक्स नहीं लेंगे, और 80 से ऊपर हो तो 5,00,000 तक टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन जो रिबेट का कंसेप्ट था, रिबेट किसको दी गई? अप टू 5 लाख की इनकम। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? बोलो। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो ये तो हो गया टैक्स, ये टैक्स किसके लिए? सोसाइटी के लिए। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। उसके बाद एक होता है सेस। क्या होता है सेस? सेस का नाम सुना होगा तुमने जीएसटी में। जीएसटी में कौन सा सेस लगता है? कंपनसेशन सेस। क्या लगता है? कंपनसेशन सेस का मतलब क्या था? स्पेशल पर्पज। क्या? तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमारे हिंदुस्तान का हेल्थ स्ट्रक्चर आपने कोविड के टाइम पे देख ही लिया होगा। दूसरा एजुकेशन सिस्टम आपको बताइए, ये लचर है, ये क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो व्यक्ति टैक्स देगा उसे तो हम समाज कल्याण के लिए लगाएंगे। अब वो समाज कल्याण में कुछ भी हो सकता है, समाज कल्याण में कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी के पोस्टर लग रहे हो, ठीक है, कि भाई डेंगू को भगा रहे हैं, देखो समाज कल्याण हो रहा है, पोस्टर ही तो लगा है। लेकिन ये जो पैसा आएगा इसमें हम पोस्टर वोस्टर नहीं लगवाएंगे, किसके लिए खर्च करेंगे? हेल्थ और एजुकेशन के लिए। तो जितना तुम्हारा टैक्स आएगा उसका 4% आप हमें दोगे। कितने परसेंट दोगे? 4% किसके नाम से? हेल्थ एंड एजुकेशन। क्लियर हो गया? इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बस हम तुम्हें यहीं पे छोड़ देंगे। मैंने कहा और कुछ तो नहीं करोगे? कह रहे नहीं, लेकिन अगर गलती से तुम्हारी इनकम 50 लाख से ज़्यादा। कितने से ज़्यादा? अब आप कहोगे सर छोड़ो ना, अपने पास तो कोई क्लाइंट आता नहीं 50 लाख से ऊपर वाला, ठीक है ना, 50 लाख से ऊपर वाला क्या पता आ जाए तुम्हारे पास, है ना। तो अगर 50 लाख से ऊपर वाला कोई क्लाइंट आता है, हालांकि गिनती के होते हैं ये क्लाइंट्स, इनकम टैक्स के डेटा में जाके देखोगे तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो कहता है अगर 50 लाख रुपये से ज़्यादा का अगर कोई क्लाइंट होगा तो इससे एक अलग से टैक्स लेंगे जिसका नाम होगा सरचार्ज। क्या होगा? सुना है तुमने ना,
अपनी ITR में लगाया हुआ है? हाँ, नाम सुना हुआ है। और लगाना भी, लगाना कैसे? बेशक तुम्हारी इनकम 50 लाख ना हो, डाल के तो देखना सॉफ्टवेयर में डाल के देखना, नहीं तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कराऊंगा तुम्हारे को, फील लेना ठीक है कि अगर मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तो क्या क्या लगेगा। तो उस पर लगता है सरचार्ज। क्या लगता है? ऐसा माना जाता है कि सरचार्ज जो होता है किसी स्पेशल पर्पज के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो जब स्पेशल पर्पज खत्म हो जाए तो इसे हट जाना चाहिए, लेकिन हटता नहीं है, गवर्नमेंट जो लगा देती है वो लग जाता है ठीक है। सबसे पहले सरचार्ज ये बताया जाता है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तब हमारे देशवासियों से अपील की गई थी कि भाई हमारे को पैसे की कमी है और हम आप पे सरचार्ज लगाएंगे, और तब का ये सरचार्ज लगा हुआ ठीक है, आज तक लगा हुआ आ रहा है। लेकिन ये जो सरचार्ज लगता है ये नॉर्मल व्यक्तियों से नहीं लेते, हम किससे लेते हैं? हाई क्लास से लेते हैं, जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझाना है क्लास में या नहीं? हाँ, समझना तो सब है, पैसे दिए हम पूरे वसूल करेंगे ठीक है, चाहे हम भूल बेसक जाए। तो मैं सरचार्ज का भी कंसेप्ट बताऊंगा ठीक है, लेकिन ये सोच के समझना कि कोई क्लाइंट आ जाए तो लगाना है, ये नहीं कि अपने पे तो आना ही नहीं, छोड़ो ठीक है, जब आएगा तब की तब देखेंगे। क्लियर है? सरचार्ज समझ आ गया? हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ या नहीं? हाँ, टैक्स के रेट समझ लो। टैक्स के रेट मैंने क्या बोला? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है ना जी, 2.5 लाख से 5 लाख तक लिख लो, 2.5 से 5 तक कितने परसेंट है? 5%। कितने परसेंट है? 5%। और 5 लाख से 10 लाख तक कितना है? 20%। और 10 लाख से ऊपर कितना है? 10 से ऊपर कितना है? 30%। और 50 से ऊपर कितना है? रेट तो 30 है, लेकिन 50 से ऊपर क्या आ जाता है? सरचार्ज जाता है, आ जाता है। वो कितने परसेंट है वो बताऊंगा। वो कहता है जितने अमीर होते जाओगे उतना टैक्स लेते रहेंगे, इंडिया वालों से ज़्यादा, फॉरेन वालों से कम। सरचार्ज लगेगा सब पे, लेकिन इंडियन कंपनी पे ज़्यादा, इंडियन लोगों पे ज़्यादा और फॉरेन पे कम, क्योंकि फॉरेन वाले कहिए तुम्हारे देश का इंटरनल मैटर है, हम क्यों दें तुम्हें। इसलिए सरचार्ज फॉरेन कंपनियाँ क्या देती है? कम। और इंडियन क्या देती है? ज़्यादा। क्लियर है? तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे सकता हूँ, हाँ, जिसे आप मेरे को फटाफट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताएंगे, है ना? हाँ, सबके पास है ना कैलकुलेटर? जिस पे कैलकुलेटर ना हो वो मोबाइल से कर ले, लेकिन अगली क्लास से कैलकुलेटर लिया है। चलो चलो, मिस्टर जैन एक एग्जांपल लिखो भाई, आप सब लोग भी लिखो। मिस्टर जैन हैज फॉलोइंग इनकम, मिस्टर जैन की कुछ इनकम्स है, सैलरी से इनकम है 3 लाख रुपए साल, सैलरी से इनकम है 3 लाख रुपए की साल में, अदर सोर्सेज की इनकम है 15,000 की, अदर सोर्सेज की इनकम है 15,000 की, सैलरी से इनकम कितनी लिखी? ठीक है, अदर सोर्सेज की इनकम कितनी लिखी? 15,000 की। ये वाली जो इनकम उसे मिली है वो 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक मिली है। कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या जी? या छोड़ो, अभी कैपिटल गेन मत लिखो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अभी रेट का कंफ्यूजन रहेगा। बैंक इंटरेस्ट लिख लो ठीक है,
हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2 लाख रुपए की साल, और बिजनेस प्रोफेशन से जो इनकम है वो है 6 लाख रुपए की। ठीक है जी, ये सारी इनकम कब की है उसकी, 1/4/20 से 31 मार्च 2021 की। ठीक है, उसे जो डिडक्शंस है, ठीक है, इसकी उम्र 40 साल लिख देते हैं हम, उम्र 40 साल है। ठीक है, उसकी जो डिडक्शंस है, LIC में उसने 50,000 रुपये दिए हैं, आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। फटाफट इसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल के दिखाओ। चलो पहले मुझे बताओ GTI कितना आया, GTI की बात कर रहा हूं मैं पहले, 11,15,000। दीज आर द GTI, ये क्या है, सबका GTI निकल गया। GTI में कंसेप्ट क्या बताया था, रेजिडेंशियल स्टेटस तो मैं हम मान के चल रहे हैं रेजिडेंट ही है, इसकी सारी इनकम टैक्स होनी है, तो हमने सारे हेड्स की इनकम को टोटल कर लिया, तो GTI कितनी आई, 11,15। टोटल इनकम कितनी आई इसकी, चलो या बताओ टोटल डिडक्शन बताओ कितनी आई। यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, हमेशा इनकम टैक्स में कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ होगे, तो जब भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको क्लियरिटी लेनी है। मैंने आपको क्या बोला, LIC की डिडक्शन कितनी है, 50,000, लेकिन जो अरोड़ा जी ने गड़बड़ करा दी, दो जगह गड़बड़ हुई है। पहली गड़बड़ क्या है, मैंने अदर सोर्स की इनकम लिखवाई थी, इन्होंने क्या कहा कि इसके सामने क्या लिखो, तो जैसे ही मैंने इसके सामने बैंक इंटरेस्ट लिखा तो इसमें एक छिपी हुई डिडक्शन आ गई। क्या आ गई, एक छिपी हुई डिडक्शन आ गई। कौन सी छिपी हुई डिडक्शन आ गई, डिडक्शन के चैप्टर में हम बताएंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को पता होगा कि अगर बैंक इंटरेस्ट आपको आता है तो 10,000 की डिडक्शन आती है 80 TTA में, तो यहाँ पर डिडक्शंस कितनी हो गई, 60,000। समझ में आई कहानी, यानी इसमें एक गलती और है कि जैसे मैंने आपको GTI निकाला 11,15,000, ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे ही हाउस प्रॉपर ये बोला कि GTI 11,15, कई लोग कह सकते हैं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, सर पहले आप ये बताओ ये हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो निकली है ये विदाउट डिडक्शन है या आफ्टर डिडक्शन है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन निकलती है कि 30% की डिडक्शन होती है। तो मैं यहाँ पर नोट डाल के दे रहा हूँ आपको कि ये हाउस प्रॉपर्टी के जो डिडक्शंस है वो हम घटा घुटूने के बाद हमने इंटर हेड कैलकुलेट करके निकाल लिए, ठीक है, इसलिए हम इसे 2 लाख ले रहे हैं। फिर आपका कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर सैलरी में भी एक डिडक्शन होती है, मैंने कहा कि हमने उसे घटा घुटू के ये सैलरी निकाल ली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन पर आपको क्लैरिफिकेशन लेनी है, अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप ये आंसर गलत निकालोगे, ठीक है। तो अभी हमने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए क्या बोला है,
सारी डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए 11-15 हमारी क्या है जीटीआई, डिडक्शन कितनी हो गई भैया 60,000, तो टोटल इनकम कितनी हुई? हाँ 10-55 सबकी यही निकली है भाई। 11-15 में से 60,000 घटाओगे? 50 नहीं घटा रहा मैं, क्या घटा रहा हूँ 60,000, तो क्या आ गई 10-55। अब 10-55 पर टैक्स निकालो, हाँ जी कितना निकला? यहाँ पर हर स्टूडेंट निकालेगा भाई, अगर आप कैलकुलेटर पे हाथ नहीं चलाओगे आपको ये लगेगा कि समझ आ गया तो कभी नहीं। कैलकुलेटर का यूज़ करो, अपने टाइम का यूज़ करो, क्योंकि पढ़ा तो मैं रहा नहीं। 3,29,00 कितना? 1,29,00 कितना? 1,29,00 कोई 1,29,00 कह रहा है, 1,34,00 कोई 1,34,00 कह रहा है। अच्छा ये हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ लिया या नहीं जोड़ा? एक चौंतीस 160 और कोई है मार्केट में? जो कम टैक्स निकालेगा उसी के पास जाएंगे रिटर्न भरवाने। लो भाई साहब 123,060, ये जो गलत निकाल रहे हैं ना सब सॉफ्टवेयर वाले आदमी हैं। सॉफ्टवेयर में भरो अपने आप निकालेगा, कंप्यूटेक्स में भरो, जीनियस में भरो। निकाला किसी ने? 1,34,160 पे ज़्यादा बोलियाँ लगी है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे निकाला। 2,50,000 तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, 2,50,000 से 5,00,000 तक कितना है? 5% मतलब 12.5। 5,00,000 से 10,00,000 तक कितना है? 20% मतलब कि 1,00,000। और 10,00,000 से ऊपर कितना है? तो मतलब 55,000 पे 30% कितना? तो लगाओ कितना हो गया, 1,29,00 हो गया। 1,29,00 पे क्या लगाओगे? कितना? ठीक है तो कितना आ गया? अब कई लोग यहाँ पे और ज़्यादा ज्ञानी निकलेंगे, वो कहेंगे कि सर इस पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा। भाई जो इस पे इंटरेस्ट वगैरह की बात है अभी वो क्वेश्चन में साइलेंट है, हम बात नहीं कर रहे। अभी हमारा नॉर्मल टैक्स निकल कर आया 1,34,160। क्लियर है यहाँ तक? हाँ चलो एक फटाफट निकाल के दिखा दो, ये तो मुँह से ही बता देना, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक व्यक्ति की टोटल इनकम है 3,50,000 रुपये, उस पर टैक्स कितना होगा? जीरो। कैसे भाई? टैक्स तो उस पर निकलेगा, टैक्स कैसे निकलेगा? 2,50,000 तक तो कोई इनकम नहीं, और 10,000 का कितना? 5% कितने रुपए? 500 रुपए। लेकिन उसे रिबेट मिल गई, क्या मिल गई? रिबेट कौन से सेक्शन में? 87A में। चलो फटाफट निकालो, एक व्यक्ति की इनकम है 5,01,000 रुपये, कितनी इनकम है? 5,01,000। जरा उसका टैक्स निकालो, टोटल इनकम 5,01,000। 12,20,000 टोटल इनकम 5,01,000, टैक्स लाइबिलिटी निकालो। हाँ 4% ऐड करने के बाद, ये कह रहे इसमें 4% ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 4% ऐड? अरे क्यों नहीं होगा? हायर एजुकेशन सेस, वो सॉरी हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस 4% का ये हर किसी पे लगेगा। 13,208 कितना निकल के आया? 13,208 सबका 13,208 है, कैसे निकला बताओ? 12,750 भाई, 2,50,000 तक कोई इनकम नहीं, 2,50,000 से 5,00,000 तक कितने? 1,000 पे कितना? 20%
कितना हो गया 200 रुपये, तो क्या हो गया 12,700, और इस पर 4% ऐड कर दिया। क्लियर है? वो जल्दी तो नहीं हो रहा पीछे से, समझ आ रहा है? ये मत सोचना कि यहाँ तो कोई बात नहीं, घर जाके आराम से करेंगे। जिसे यहाँ समझ नहीं आया घर जाके मुश्किल है। बस में बैठे बैठे आगे पीछे वाली सवारी से पूछ लेना, बता तेरी इनकम कितनी है, देख अभी टैक्स बता दो तुझे। घर जाके मम्मी पापा चाचा ताऊ सबसे इनकम पूछ के टैक्स निकाल देना, ठीक है? चलो, एक व्यक्ति की इनकम 4,99,000 रुपये, उस पर टैक्स देखो 4,99 पे क्या है टैक्स नील, 4,99 पे क्या है टैक्स नील, और 5,01,000 पे टैक्स कितना है? ये है इनकम टैक्स की मजेदारी, समझो। 4,99 पे कोई टैक्स नहीं लिया गवर्नमेंट ने, इस गरीब ने 2,000 रुपये इनकम बढ़ाई अपनी, टैक्स कितना ले लिया 13,000। क्या ये अन्याय है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है, लेकिन ये ब्यूटी है इनकम टैक्स की, कोई कुछ नहीं कहता। पहले क्या होता था कि लोग बाग आते थे हमारे पास, वो कहते थे जैन साहब इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। मैं कहता था भर देते, कह रहे टैक्स भी देना, मैंने कहा कितना, कहते 500 रुपये दे देते हैं, हम देश में रहते हैं, देश की सर्विस लेते हैं तो टैक्स तो देना ही चाहिए। कितने रुपये दे देते, 500, कोई दे देता 1,000, कोई देता था 2,000, कोई देता था 5,000। क्या आज की डेट में दे सकता है? हैं, आज की डेट में दे सकता है? हाँ दे सकता है, मैं बताऊंगा कैसे, तुम बताओ कैसे। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी डिडक्शन डिडक्शन करके कोई 2,000 रुपये टैक्स दे सकता है क्या, बताओ ना तुम कैसे बनाओगे। तभी तो तुम्हें मेंटोस जिंदगी सिखाऊंगा मैं। ये तो आम जिंदगी में कोई टैक्स नहीं दे सकता। आम जिंदगी के हिसाब से टैक्स मिनिमम 12,500 तो देना ही पड़ेगा, है या नहीं है? तो गवर्नमेंट ने पहले तो उन लोगों की, उन्होंने कहा कि ये जो 500 रुपये तुम देते हो ना, इसे जाके मंदिर में चढ़ा दो। क्योंकि तुम जाके नाम तो देते हो कि हमने टैक्स दिया, तो गवर्नमेंट ने ये इलाज बांध दिया। क्या करा ये इलाज बांध दिया कि अगर मिनिमम टैक्स भी देना है तुम्हें, अगर टैक्स पेड की रिटर्न भरनी है, किसकी रिटर्न भरनी है टैक्स पेड की, तो नॉर्मल केस में 12,500 ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका ऐसा जिससे 1,000-1,500 रुपये टैक्स भी दे सकते हो, वो तरीका तुम्हारे अभी समझ नहीं आएगा। तरीका क्या है, ये मैं सारी जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ स्लैब रेट से, किससे कर रहा हूँ, अगर इसमें इनकम में कैपिटल गेन की डाल दूं तो वहां पर रिबेट नहीं मिलती, कई जगह क्या नहीं मिलती, कई जगह क्या नहीं मिलती, रिबेट नहीं मिलती। तो वहां पर कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है कि तुम्हारी इनकम, ठीक है ना, तुम्हारी इनकम ऐसी हो सकती है जिसमें 1,000-1,500 रुपये टैक्स चला जाए, ठीक है। लेकिन कब, जब तुम कैपिटल गेन की इनकम उसमें ऐड करो। ये कैपिटल गेन है ना, ये खतरनाक है, इसके रेट भी अलग है, इसकी कैलकुलेशन भी अलग है, तो उसे हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी तुमने क्या समझा कि नॉर्मल केस में 12,500 देना ही पड़ेगा, क्लियर है? अच्छा, ये तो था, ये जो टैक्स रेट चलता हुआ आ रहा है ये, अब ना इनकम टैक्स वालों ने बोला कि तुम ना बहुत कम कंफ्यूज होते हो इनकम टैक्स से, हम तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनकम टैक्स के दो रेट निकाले। कितने रेट निकाले? एक तो रेट निकाला ये स्लैब रेट जो हम पढ़ रहे हैं, एक दूसरा अलग रेट निकाला जिसमें उन्होंने कहा हम डिडक्शंस नहीं देंगे, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि सर आपने तो ये बता दिया एक दूसरा रेट भी है वो भी बताओ, तो वो भी बताएंगे। लेकिन हमारे को क्या करना है ना, इनकम टैक्स क्या है, गर्म खिचड़ी है। क्या है? गर्म खिचड़ी है, और अगर तुमने बीच में एकदम हाथ डाला तो जल जाएगा। तो इनकम टैक्स खिचड़ी कैसे खाते हैं, साइड साइड में से थोड़ी थोड़ी खाते रहो, थोड़ी थोड़ी ठंडी कर करके, ठीक है। तो हम ये साइड साइड से जो ज़रूरी चीज़ है उसे खा रहे हैं, समझ आया यहाँ तक या नहीं? हाँ, तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर लोगे,
हाँ चलो, तो एक कैलकुलेशन और कर दो मेरे यार। एक एक व्यक्ति की इनकम 51 लाख रुपए, कितनी इनकम है 51 लाख रुपए, जरा एक बार टैक्स निकाल दो। हाँ सरचार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता के छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद खुद कर लेना, है ना। मैं ये बता देता हूँ कि अगर किसी की इनकम 50 लाख से ऊपर होती है इंडिविजुअल की, तो उस पर जो सरचार्ज होता है, क्या होता है सरचार्ज का रेट? हाँ जी, नहीं भाई साहब, 10% क्या है जी, 10% है सरचार्ज का रेट। तो सरचार्ज है 10%, तो भाई तुम्हारी अपनी इनकम तो 51 लाख होगी नहीं। अगर 51 लाख हो रही होती तो तुम मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है। तो फिर भी मान के चलो, अपना नाम लिख लो, लिख लो मिस्टर कपिल जैन की इनकम 51 लाख है, या अपना नाम जो भी है, गुप्ता जी, अरोड़ा जी, और हाँ बस 51 लाख की इनकम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हम। 51 लाख पर टैक्स कैलकुलेट कर दो। चार परसेंट लगा लिया, 1476। चलो, और जिसकी इनकम 50 लाख है उस पर भी एक बार टैक्स कैलकुलेट कर दो। ये 51 लाख पे, लो जी 15,01,500। मैं तुम्हें अब कंसेप्ट सिखाने जाना चाह रहा हूँ मार्जिनल रिलीफ का। किसका? मार्जिनल रिलीफ एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। अपनी लाइफ में जो तुम आईटीआर भर रहे हो उसमें कभी तुमने ये सीखा नहीं होगा, लेकिन बुकिश लैंग्वेज में हमें सीखना है। सीखना है नहीं कुछ चीज़ नहीं, हाँ ठीक है। तो वो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा PhD नहीं करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए। 50 लाख पे निकला भाई टैक्स, 50 लाख पे भी निकाल दिया, 50 पे भी निकालना और 51 पे भी निकालना। A का रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसमें? ये कह रहे मिलेगा। 87A कौन सा है? रिबेट। किसका? 50 पे कितना निकला? 13,96,200। यह सबका यही निकला 13,96,200। 51 पे कितना निकला था? 15,30,450। और कोई है जो बताए 51 पे? इक्यावन पे सही बताओ, ये क्या बता रहे हो? इसमें सेस भी वो तुमने इंक्लूड कर दिया सरचार्ज? हाँ, 4% भी लगा दिया, 4% भी लगा, 10%। हाँ तो 15,30,450, ठीक है। चलो चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम लोगों ने होनार स्टूडेंट हो, तुमने सही निकाला होगा। 15,30,450 सबका निकल गया। आप बताओ क्या लगना चाहिए, पहले 10? नहीं पहले 4, नहीं पहले 10 फिर 4, ऐसे ही लगाया है? हाँ, 4 बाद में लगेगा, 15,35,820। और कोई है मैदान में? बोलो, दोबारा निकालो भाई।
सबका यही आया? 15-35,000 और 50 लाख का कितना आया? 13-65,000 कैसे आ रहा भाई? 50 लाख में तो सिंपल ही कर लो भाई, 1,12,500 तो भाई बैठेगा, 12,40,000 पे हो जाएगा, तो कितना हो गया? 13,12,500 पे 4% ऐड करो, 13,62,000 आ रहा है ये तुम्हारा, 13,96,200 कैसे आ रहा है? पहले भाई तुम पे ना टैक्स ही नहीं निकालना है, मैं तुम्हें मार्जिन रिलीफ क्या सिखाऊं, तुम ये नॉर्मल नहीं निकाल पा रहे। ये 13,65 निकला या नहीं निकला? 13,65 तो 50 लाख पे आ गया। ये फाइनल है सबका? और 51 पे कितना है? 15,35,820। इसमें एजुकेशन सेसो सरचार्ज इंक्लूड है, ठीक है, समझ आया? हाँ, ये मैं एक बार तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ, 12,35,820 कैसे आया, ठीक है भाई। देखो 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, हाँ जी, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 1 लाख, ठीक है जी, हाँ, 10 लाख से ऊपर 30%, 41 लाख का 30% कितना हुआ? 12,30,000 30,000 तो क्या हो गया? 13,42,500 क्योंकि यहाँ पर इनकम कितने से ज़्यादा है? 50 लाख से, तो यहाँ पर क्या लगेगा 10% का? 1/34, टोटल कितना आया? 1,476,750 4% क्या लगा इस पर? सेस कितना आया? 15,35,820 कितना आया? सबको क्लियर हुआ ये कैसे आया? 4% इस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा, आपको क्लियर नहीं हुआ? ये वाला क्लियर हुआ, 50 लाख पे 13,65 कैसे आया, ये भी क्लियर नहीं हुआ? भैया समझो, प्रैक्टिस करनी है इसकी। हमने क्या बोला? स्लैब रेट क्या बोला है? स्लैब रेट 0 से 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स लगता है क्या? नील। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक कितने परसेंट टैक्स लगता है? 5%। कितना? तो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना अमाउंट निकला? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% कितना? 12.5। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, पहले बोलो। हाँ, बनी हो गए घर में जन्म लेते, बनिया क्या करता, कुछ भी पैसे इकट्ठे होते हैं ना, ब्याज पे दे देता है, और ब्याज पे क्या करता है, 5% पे दे दिए, 10% पे दे दिए। तो बनियों को ये कैलकुलेशन पहले ही पता होती है, उनके माँ बाप ऐसे ही पूछते हैं, बेटा 2.5 लाख रुपए दिए थे ब्याज पे, 5% का ब्याज आ रहा है, बेटा कितने आएंगे? मम्मी 12,500 आएंगे, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख पे कितने परसेंट टैक्स है? 20%। कितना? 20%। तो कितना निकलेगा 20%? 5 लाख और 10 लाख का डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख पे 20% कितने? 1 लाख। कितने? 5 लाख। अगर ऐसे समझना है तो हमेशा हिसाब लगाओ, 5 लाख रुपए ब्याज पे दिए, कितने रेट से दिए? 20% के ब्याज से दिए, तो कितने रुपए निकल कर आएंगे महीने का ब्याज? 1 लाख। जब तुम्हारी इनकम होगी ना, तब पता लगेगा तुम्हें, तो कितना हो गया? 1,12,000। हाँ बेटा, अब हमारे को 50 लाख, देखो अकाउंट के स्टूडेंट में चाहे जेब में 5 पैसे ना, उसकी कैलकुलेशन लाखों की आनी चाहिए उसे, ठीक है। और ये कैलकुलेशन कभी भी रात को बैठ के मत करना। एक स्टूडेंट ने रात को बैठ के कैलकुलेशन करी थी, उसके घर पे चोरी हो गई थी, वो रात को हिसाब लगा रहा था, 50 लाख आए, 40 लाख गए, मेरी इनकम 50 लाख है, उस पर टैक्स आ रहा इतना, ठीक है। चोरों ने सुन ली, रात में हो गई चोरी, तो ऐसा मत करना, रात में बैठ के क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। तो 1,12,500 बेटा क्लियर हो गया, 10 लाख से 50 लाख की इनकम नेट कितनी बची? 40। 40 पे कितना रेट है? 30%। तो 40 लाख का 30% कितना हुआ? 12 लाख। कितना हुआ? तो 12 और 1,12,500 कितना होता है?
13, 12, 500। अब वो बच्चा कह रहा मैं तो आज तक 50,000, 1,00,000 तक के कैलकुलेशन करता था, इन्होंने डायरेक्ट ही 50 की दे दी, तो बच्चा कन्फ्यूज हो ही जाता है ना। इस पे 4% क्या लगाया बेटा, सेस, तो क्या निकल कर आएगा 13.65। अब समझ आया 13.65 कैसे आया? हाँ, और बेटा जब किसी की इनकम 51,00,000 रुपये हो जाती है तो उस पर क्या लग जाता है, सेस, क्या लग जाता है, सरचार्ज, क्या लग जाता है, सरचार्ज। तो सरचार्ज कितने परसेंट लगता है, 10%। तो हमने 10% यहाँ पे सरचार्ज लगाया। बेटा सरचार्ज लगाने के बाद 4% सेस होता है, बिल्कुल सरचार्ज के ऊपर भी सेस लगेगा। हाँ, इस पे और दोनों पे, दोनों टैक्स हमारे है 14.76, हमने लगाया फिर उस पे 4% का। क्लियर हुआ सेस, क्लियर हुआ ये चीज। अब यहाँ पर एक रिजल्ट निकल कर आता है कि 13.65 पे, ये हमने 13.65 निकाला था ना, इसमें 4% इंक्लूड था है ना। 50,00,000 रुपए की इनकम, तनुज गुप्ता जी से कहता हूँ मैं आपको, दो इंसान है, एक है जिसकी 50,00,000 की इनकम है और उस पर है 13.65 का टैक्स, एक है अरोड़ा जी 51,00,000 रुपए की इनकम है और टैक्स है 15,35,000 का। बताओ किसकी जिंदगी बढ़िया? अरे गुप्ता जी की जिंदगी बढ़िया, 50,00,000 की इनकम। अब आप समझो, 50,00,000 की इनकम गुप्ता जी की और टैक्स कितना, 13.65, और इनकी इनकम कितनी, 51, टैक्स कितना। मतलब गुप्ता जी को बुलाया गया, उनसे बोला गया सर तुम्हारी सैलरी 50,000 है, इनकम 50,00,000 आ रही है, तुम्हारा इंक्रीमेंट कर देते और अब से तुम्हारी इनकम 51,00,000 हो जाएगी। कह रहे नहीं मुझे चाहिए नहीं। ये क्या कह रहे, मुझे 51,00,000 की इनकम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 51,00,000 रुपये पर टैक्स तो ज़्यादा है। होगा ऐसा या नहीं? तो क्या ये नाइंसाफ़ी है या नहीं? अच्छा, नाइंसाफ़ी तुम्हें तभी भी दिखाई थी मैंने, एक की 4,98,000 की इनकम और एक की 5,01,000 की इनकम, 4,99,000 पर कोई टैक्स नहीं, 5,01,000 पर टैक्स, वो थी छोटी बातें। क्या थी? तो वहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट नहीं था, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की कोई टेंशन नहीं थी। गवर्नमेंट ने कहा हम ये अन्याय करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये अन्याय हो रहा है, ये अन्याय दिख रहा है या नहीं दिख रहा? किसी व्यक्ति ने अपनी इनकम कितनी बढ़ाई, 1,00,000, और उसका टैक्स कितना बढ़ गया, बोलो 1,70,000 बढ़ गया। ऐसा होता है क्या? हाँ, टैक्स कितना बढ़ गया, टैक्स बढ़ रहा है, इनकम से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कोई व्यक्ति ऐसी इनकम लेना चाहेगा? हर व्यक्ति क्या सोचेगा, 50। अच्छा, अगर इनकी इनकम 60,00,000 होती तब ये दिक्कत आती क्या? तब तो ये दिक्कत नहीं आती। दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि इनकम इनकी थोड़ी सी बढ़ी, इनकम कितनी बढ़ी और उसके कंपेरिजन में टैक्स ज़्यादा बढ़ गया, तो इन्हें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो गवर्नमेंट का गुस्सा मत करो, हम तुम्हें इस केस में क्या देंगे, मार्जिनल रिलीफ। क्या देंगे? मार्जिनल रिलीफ। अब इसकी कैलकुलेशन समझ लेना, हालांकि कई लोग तो इसलिए नहीं समझेंगे अपने को कौन सा आनी है, लेकिन फिर भी समझ लेना। इसमें क्या कहा गया है कि जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ी है, अगर इस व्यक्ति से 15-35 की जगह हम क्या कहते 13.65, तो टैक्स 50,00,000 पे देना ही था, और तुम 1,00,000 की इनकम बढ़िया सारा का सारा टैक्स दे दो, तब भी ये व्यक्ति मान जाएगा, मान जाएगा या नहीं? मतलब ये 51,00,000 पर अगर 14.65 का टैक्स मांग ले इससे हम, तब भी कोई दिक्कत होगी क्या, बोलो? हाँ, लेकिन अगर 14.65 से 1 रुपया भी टैक्स ज़्यादा मांगते हैं तो दिक्कत है कि नहीं, है ना? लेकिन हम टैक्स कितना मांग रहे हैं इससे, 15-35। क्या मांग रहे हैं? 15-35, 820। और यह क्या कह रहा है, मैं कितना दे सकता हूँ, 14.65। तो यह कहता है मुझे 70,820 रुपये, ये जो फालतू देने पड़ रहे हैं इसका मुझे क्या दो, रिलीफ। क्या दो इसका मुझे, रिलीफ। और जब हम इसे इसका रिलीफ देते हैं तो उसका नाम होता है मार्जिनल रिलीफ। क्या होता है? मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिन, कि तुम्हारी इनकम थोड़ी सी बढ़ी, तुम्हारी इनकम 1,00,000 बढ़ी
और हमने टैक्स कितना बढ़ा दिया तुम पे, 170,820। तो हम तुमसे पूरा टैक्स ना लेकर, वैसे तो एक्चुअल टैक्स कितना बनना है तुम पे, 15-35 ही बनना है एज पर लो, लेकिन हम तुमसे 15-35-820 नहीं लेंगे, हम तुम्हें मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। क्या दे देंगे? मार्जिन। तो समझ आया मार्जिनल रिलीफ कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होती है बता दूं? वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से समझ लो कैसे होती है। चलो यहां पर देखो, जो कैलकुलेशन मैंने तुम्हें कराई है, 51 लाख रुपए की इनकम थी इसकी, तो 51 लाख रुपए की इनकम पर हमने टैक्स निकाला 12,500, 1 लाख, 12,30, ये समझ आ रहा है या नहीं? तो हमारा क्या टैक्स निकल कर आया, 1,476,750। अब की बार अभी हमने क्या नहीं जोड़ा इस पर, सेस नहीं जोड़ा। जब मार्जिनल रिलीफ देते हैं तब तक अभी सेस मत जोड़ना। तो ये 1,476,750 की कैलकुलेशन समझ आई? बोलो जी। अब हमने क्या बोला कि अब ऐसा करो कि तुम 50 लाख पर टैक्स निकालो। कितने पे निकालो? 50। 50 पर जब हमने टैक्स निकाला तो कितना निकल गया है? 13,12,500 विदाउट सेस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है या नहीं? बोलो कितना डिफरेंस आ रहा है? अभी आपने सेस नहीं लगाया, सेस तो दोनों पे 4% लगना है, तो अभी हमने उसे छोड़ दिया। कितना डिफरेंस आ रहा है ये? क्या जी? कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,00,000। नहीं नहीं अभी हम इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हैं, 1,00,000। समझ आया कि जब भी मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन करना है मेरे को, हमारे को पहले दोनों तरीके से टैक्स निकाल लेना है विदाउट सेस लगा के। क्या? कैसे जी? विदाउट सेस लगा के। तो जब हमने विदाउट सेस लगा के दोनों का टैक्स निकाला तो 51 लाख पर आया 1,476, और 50 लाख पे कितना आया? 13,12। क्लियर यहाँ तक? मतलब कि हमें 1,64,250 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। कितनी इनकम के लिए? 1 लाख की इनकम के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा इनकम टैक्स, अगर हम बात करें तुम्हारी इनकम कितनी बढ़ रही है, 1 लाख, तो ये तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो 13,12,500 में प्लस कितना कर दो? 14,12,500। बस तुम यही टैक्स दे दो, और ये 64,250 का क्या ले लो? मार्जिनल रिलीफ। 14,12,500 आ गया, और उस पर 4% सेस दे दो। ठीक है, क्लियर है या नहीं? बोलो, कर लोगे मार्जिनल रिलीफ? हाँ, अगर यहाँ पर इनकम 51 लाख की जगह, यहाँ पर अगर इनकम 51 लाख की जगह 51,50,000 होती, फिर क्या कैलकुलेशन होती? बोलो जी। तो यहाँ पर एक मिनट, एक बार 51,50 पे टैक्स कितना निकल के आ गया? 50,000 का 30% और जोड़ लो 15,000, तो यहाँ पर क्या हो गई? 13,42,500। यहाँ पर हो गई 13,42,500 की जगह कितना हो गया? 13,57,500। बोलो यही होगा या नहीं? हाँ बोलो। उस पर सरचार्ज कितना हुआ? 1,35,000। टोटल कितना हुआ भैया? 14,93,250। और 50 लाख पे टैक्स कितना आ रहा था? 14,12,500। अब मार्जिन रिलीफ कितना मिलता भाई? हमने इनकम कितनी बढ़ाई है? 1,50,000। कितनी बढ़ाई है? 1,50,000। टैक्स कितना बढ़ गया? 1,80,750। टैक्स कितना बढ़ गया? 1,80,750। तो हमसे टैक्स कितना लिया जाएगा? बोलो। 13,12,500 प्लस में 1,00,000। कितना? 14,62,500। मार्जिन रिलीफ कितने का मिल गया? 30,750 का। कितने का? तो 51 लाख पर मार्जिनल रिलीफ कितने का मिला? 64,250 का। 51,50 पे मार्जिनल रिलीफ कितने का मिला? और अगर ये इनकम 55 लाख हो जाए, कितनी हो जाए?
तो क्या कोई रिलीफ मिलेगा? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है, ये समझ आया? हाँ, जहां पर इनकम उतनी ना बढ़ी हो, टैक्स ज्यादा बढ़ गया हो। जो मैंने आपको 51 लाख और 51,50,000 का एग्जांपल दिया, बोलो क्लियर हुआ मार्जिनल रिलीफ? भैया ये मैंने तुम्हें बता दी, अब ऐसी कैलकुलेशन कितनी बार भी कर सकते हो, क्योंकि 1 करोड़ पे भी कर सकते हो, 2 करोड़ पे भी, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है। लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में 50 लाख तक की इनकम आ सकती थी, मैंने इसलिए आपको बता दिया। मैं इससे आगे का आपको प्रैक्टिकल नहीं करा रहा, ठीक है जी? समझ आ गया मार्जिनल रिलीफ? चले आगे, चलो जी। अब इसके बाद हमारा हर जगह पर टैक्स रेट अलग है। ये हमने किसके रेट बताए थे? इंडिविजुअल के। किसके रेट बताए थे? इंडिविजुअल के। मैं साथ में तुम्हें इंडिविजुअल के हमने कितने रेट पढ़े थे कि कितनी तरीके से रेट हो सकते हैं? दो तरीके से। कितनी तरीके से? दो तरीके से। सर ये आप सारे रेट हमें आज ही क्यों बता रहे हो? भाई देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा कोशिश करूंगा तुमसे टोटल इनकम निकलवा लूं, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ये दूसरी तरीके के रेट लिखो। किसकी तरीके के? न्यू स्लैब रेट। ये आप नोट कर लो। मैंने क्या बोला था? एक इंडिविजुअल के ऊपर दो तरीके से रेट है। जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे थे उसे हम बोलते हैं स्लैब रेट, ठीक है? पुरानी जिंदगी क्या है वो? पुरानी। अब ये क्या है? नई जिंदगी। ये क्या है? नई जिंदगी। क्या मतलब? नए रेट से। ये क्या है? नए रेट। सर ये नए रेट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? नए रेट्स भाई तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि गवर्नमेंट ने बोला या तो न्यू रेट्स ले लो तुम या ओल्ड रेट्स, इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। तो आप क्या करोगे? न्यू रेट्स पे अपने क्लाइंट की इनकम निकालोगे और ओल्ड रेट्स पे अपने क्लाइंट की इनकम निकालोगे, और दोनों में ये देखोगे कि भैया टैक्स किस में कम आता है, जिसमें टैक्स कम आएगा वो उसे बोलोगे। तो नए रेट्स में क्या है? 2.5 लाख रुपए तक नील, उन्हीं की तरह 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना? 5%। ये भी उन्हीं की तरह, यहां पर फर्क है, ठीक है? वो क्या कहते हैं? 5 से 10 पे कितना लो? 20। और ये क्या कहते हैं? 5 से 7.5 10 और 7.5 से 15, ठीक है? और ये क्या कहते हैं? 10 से ऊपर वो लोग क्या कहते थे? और ये क्या क्या कहते हैं? 20, 25 और 30। तो अब आपको क्या अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है वो? नहीं, वैसे बताओ, वैसे तो तुम्हें यही अच्छा लग रहा होगा ना? लेकिन गवर्नमेंट ये क्या कहती है? अगर आप न्यू रेट्स लोगे तो टैक्स रेट तो कम है। क्या चीज़ है यहाँ पर? टैक्स रेट इज लोअर। लेकिन आपको यहाँ पर डिडक्शंस छोड़नी पड़ेंगी। क्या छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर? डिडक्शंस। तो यहाँ पर एक नोट डालकर लिखो, अगर किसी व्यक्ति की डिडक्शन नील है, अगर किसी व्यक्ति की डिडक्शंस नील है, अगर किसी व्यक्ति की डिडक्शंस नील है तो न्यू रेट्स इज बेटर। अगर किसी की डिडक्शंस क्या है? नील है तो न्यू टैक्स रेट इज बेटर। और अगर किसी व्यक्ति की डिडक्शंस है तो वो चेक करना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर ले, एक बार करा दूं एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। तो आप क्वेश्चन लिखिए, मिस्टर जैन की 12 लाख रुपए की इनकम है। क्या है जी? मिस्टर जैन की 12 लाख रुपए की इनकम है और उनकी डिडक्शन जो है 80C में वो 1.5 लाख रुपए की है। कितने की है? 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन है। क्या बोला मैंने? इनकम 12 लाख और डिडक्शन 1.5 लाख। तो आप दोनों रेट्स से टैक्स निकाल के बताएं कि उन्हें न्यू रेट्स बेटर रहेगा या ओल्ड रेट्स बेटर रहेगा। क्वेश्चन समझ आया? 12 लाख रुपए की इनकम है, 1.5 की डिडक्शन है। मैं 12 लाख की इनकम बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आप मान के चलो कि सारी डिडक्शन डिडक्शन मतलब सारी हेड वाली डिडक्शंस करने के बाद नेट ऑफ है ना। 12 लाख रुपए की इनकम है और 1.5 लाख की डिडक्शन है,
निकला भाई किसी का? पुराने से कितना आया? 1,32,600। 12 लाख आपने इनकम ली होगी सर, डेट डिडक्शन कर करके 10.5 पे टैक्स निकाला होगा। कितना निकल कर आया? 1,32,600। न्यू में कितना आ रहा है? 1,15,000। न्यू में कितना आ रहा है? 4% ऐड कर लिया क्या 1,32,600 में? न्यू में आ रहा है 1,19। डिडक्शन ली थी क्या या 12 लाख पे लगाया टैक्स? इसमें डिडक्शन नहीं मिलती, इसमें 12 लाख रुपए की इनकम होगी, डिडक्शन क्या होगी? नील। 12 लाख पे ही टैक्स लगेगा। और इसमें कितना है? 1,19,600। सबका यही निकल के आया? बोलो मैं बताऊँ कैसे निकाला, बताऊँ क्या? हाँ जी बता दूँ भाई। देखो यहाँ पे तो 12 लाख रुपए की इनकम है, 1.5 लाख की डिडक्शन मिल गई, 10.5 पे टैक्स निकलेगा। 10.5 पे टैक्स कैसे निकलेगा? 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 12,500। बोलो 5 से 10 1 लाख, और 50,000 पे 15,000 कितना हुआ? 1,37,500। 1,27,500 और इस पे 4% कितना हो गया? 1,32,600। ये तो बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्यों लग रहा है? तुमने कई बार इस रेट को यूज कर लिया। अब आप नया निकालो, नए वाले में क्या है? 12 लाख, डिडक्शन कुछ नहीं मिल रही। बोलो 2.5 से 5 लाख तक 5% हैं, 12,500 आएगा ना। 5 से 7.5 25,000, 7.5 से 10 2.5 लाख पे 15% 37,500, 2 लाख पे कितना? 10 से 12 में 2 लाख पे कितना? 40,000। कितना हो गया टोटल? 1,15,000 प्लस 4%। क्लियर है? बोलो जी। तो यहाँ पर कौन सा रेट उसके लिए बेनिफिट मिला? न्यू स्लैब। तो यहाँ पर डिडक्शन 1.5 लाख की होते हुए भी उसने 1.5 लाख की डिडक्शन छोड़ दी, लेकिन फिर भी उसे क्या बेटर है? न्यू इज बेटर। अभी हम वो डीप में नहीं जा रहे, अभी हम डीप में नहीं जा रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि दोनों रेट्स में टैक्स निकाल के देख रहे हैं। समझ आ रही है? यानी ये हम बिल्कुल आम काम कर रहे हैं जो बस में चलते हुए तुमसे पूछ सकता है कोई भी। पता चले तुम क्लास करके जाओ यहाँ से और तुमसे कोई पूछे कहाँ से आए हो, तुमने बोला KJ क्लासेस से क्लास करके इनकम टैक्स की, वो कहे मेरी इनकम है 12 लाख रुपए। गवर्नमेंट पूछ सकता है क्वेश्चन यानी कि 12 लाख रुपए मेरी इनकम है और 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन है, बताओ मैं नए वाले में जाऊँ पुराने वाले में? आपने कहा बता तो दूंगा, बता तो दूंगा। मैं क्या दिल्ली से मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ, बता दूंगा कैलकुलेशन करके, लेकिन फीस लगेगी 1,000 रुपये। तो क्या वो तुम्हें फीस दे देगा या नहीं दे देगा? अरे दे देगा भाई। सिर्फ न्यू रेट्स और ओल्ड रेट्स बताने के भी फीस मिल जाएगी, क्योंकि आपने कितने का फ़ायदा करा दिया उसका? 12,000-13,000 रुपये का फ़ायदा करा दिया। नहीं तुम्हें पता था तभी तो, नहीं तो कई लोगों ने अफवाह फैला रखी है नए रेट में मत जाओ, पुराने में जाओ, पुराना ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या करना पड़ रहा है? चेक करना पड़ रहा है। हो सकता है कि कभी ओल्ड बेटर हो। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में डिडक्शन हटा दूँ, क्या हटा दूँ इसमें? इस वाले क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्या कर हटा रहा हूँ? सिर्फ डिडक्शन। तो यहाँ पर टैक्स निकला कितना? 1,19,600। और यहाँ पर टैक्स कितना आ जाएगा? बोलो 15,000। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1,72,500। कितना हो जाएगा? समझ रहे हो? सिर्फ डिडक्शन हटाने से ही खेल खत्म हो गया। बोलो जी, समझ रहे हो यानी? फिर हमारा ये बेटर। अगर मैं यहाँ पे डिडक्शन 1.5 की जगह 3 लाख डाल दूँ, अगर यहाँ पर 3 लाख डाल दूँ तो ये वाला कम हो जाएगा यानी? बोलो,
तो सारा गेम क्या है, डिडक्शंस का है इसमें। तो हमारे को न्यू और ओल्ड पे जाते समय दोनों का टैक्स रेट देखना है, ठीक है। चले आगे चले। हाँ भाई देखो, आज की क्लास हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी है मैंने। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या पढ़ेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। और साथ में मैं तुम्हें एक चीज़ और पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम होगा एग्जेम्पशंस। क्या होगा? अभी जैसे हमने क्या बोला कि पांचों हेड्स की इनकम को पहले ऐड करते हैं, लेकिन कुछ इनकम ऐसी होती है जो एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है? जो एग्जेम्प्ट होती है। और अगर मैं बोलूं कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, तो जब हम उन पांचों हेड्स को ऐड करें तो क्या उसे उसमें ऐड करें या नहीं करें? नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। मेरी बात को समझ आई या नहीं? एक मैंने बोला कि डिडक्शन है, एक मैंने बोला एग्जेम्पशन है। क्या दोनों में अंतर है या नहीं है? बोलो। जब हम बोलते हैं डिडक्शंस है, क्या है? तो वो कहता है पहले इनकम को ऐड करो और फिर डिडक्शन ले लो। जब मैं बोलता हूँ एग्जेम्पशन है, तो क्या वो ऐड होगा? वो पांचों हेड्स में ऐड ही नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? एक तो एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और एक रेजिडेंशियल स्टेटस। अब जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या रेजिडेंशियल स्टेटस, अभी हमने किसकी यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन करी? इंडिविजुअल की। किसकी करी? इंडिविजुअल की। अच्छा एक चीज बताओ, हिंदुस्तान में, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है, एक बात बताना मुझे, मैंने क्या करा अपने ऑफिस के बाहर, ठीक है ना, एक ऑफिस आते हो ना जब हमारे, तो यहाँ पे एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है तुम्हें, ठीक है, एक पीपल का पेड़ है। अब बच्चे देख रहे हैं कहाँ है, अरे मान लो, ठीक है, नहीं भी है तो मान लो, तो एक पीपल का पेड़ है। अब क्या हुआ कि पीपल के पेड़ के पास एक व्यक्ति के 10 रुपये गिर गए। अब 10 रुपये गिर गए, वो बेचारा खड़े होकर ढूंढ रहा है उसे 10 रुपये को। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा पीपल का पेड़ शायद भगवान जी है इसके ऊपर, तो वो भी आया, वो भी झुक गया। तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे सब लोग झुक गए। तो वहाँ पे 10-10 रुपये सब लोगों ने चढ़ा भी दिए उस पीपल के पेड़ के ऊपर। अब दिन भर में जो भी कोई उधर से गुजरता, एग्जाम था, एग्जाम वाला डे था, तो करते करते ऐसे पूरे दिन में 10,000 रुपये आ गए। हो सकता है ऐसा या नहीं? हाँ, किसी ने अपना लोकित चढ़ा दिया भगवान नाम का, किसी ने हनुमान जी का चढ़ा दिया, तो उस पीपल के पेड़ पे महीने के 3 लाख रुपए आने लग गए। बताओ अब इनकम टैक्स वाले आके उससे टैक्स लेंगे या नहीं लेंगे? क्या पीपल के पेड़ से बोलेंगे टैक्स दे भाई? तो जब इन्होंने कहा कि गिन के कौन जमा कराएगा, उधर से एक साधु बाबा जा रहे थे, उन्होंने कहा इसका ठेका मेरे पास है, वो साधु बाबा बैठ गए काउंट करने लग गए, 3 लाख रुपए आ रहे, ठीक है, साधु बाबा ने बैंक में अकाउंट खुलवा दिया पीपल पेड़। क्या बैंक वाला अकाउंट खोल लेगा या नहीं? हाँ खोल लेगा, फर्म का नाम पीपल का पेड़। हाँ तो क्या बताओ, क्या इस पीपल के पेड़ से गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए या नहीं? मान लो 3 लाख की जगह 30 लाख आ गए, 3 करोड़ आ गए, टैक्स लेगा या नहीं? तो भाई पहले तो ये समझ लो कि ये जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है किस किस से लेती है। गवर्नमेंट टैक्स जो लेती है वो लेती है पर्सन से। किस से लेती है? पर्सन से। पर्सन कोई भी हो सकता है, तुम एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूँ, हम दोनों क्या है? इंडिविजुअल। क्या है? इंडिविजुअल। तो यहाँ पर समझना कि गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो किससे लेती है? पर्सन से। किससे लेती है? पर्सन कौन होता है? इंडिविजुअल, तुम और मैं। अगर मैंने कंपनी बना ली प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी हो गई, मैंने पार्टनरशिप फर्म बना ली जैन कुमार अग्रवाल, ये मेरी पार्टनरशिप हो गई। उसके अलावा अगर मैं लोकल अथॉरिटी की बात करूँ MCD, उससे भी टैक्स ले सकती है गवर्नमेंट,
भाई अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, HUF का क्या मतलब है? मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो हमने एक पैन कार्ड बना लिया अलग से, उसे क्या बोल दिया गया? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये किसके लिए बनाते हैं लोग बाग? टैक्स प्लानिंग के लिए। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी क्या है? पर्सन। ये भी क्या है? पर्सन। ये भी क्या है? पर्सन। इन चारों के बारे में जानकारी है या नहीं है, बोलो? लोकल अथॉरिटी के बारे में जानकारी है। एक होता है AOP और BOI। क्या होता है AOP और AOP का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। BOI का मतलब क्या है? हम लोगों ने सोचा, तुम भी इंडिविजुअल, मैं भी इंडिविजुअल, हम लोगों ने सोचा कि हम मिलकर एक क्लब बनाते, तो उस क्लब में जितने भी मेंबर हैं सब क्या है? इंडिविजुअल। तो उनका एक अलग से पर्पज है। तो वो जो फॉर्म करेंगे, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? नहीं। फर्म क्यों बनाएंगे? वो कंपनी क्यों बनाएंगे? वो क्या बना रहे हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या उनसे टैक्स लिया जाए या नहीं? क्या उसे इनकम टैक्स में टैक्स करा जाए या नहीं? क्लियर हुई है वाली बात या नहीं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है? तुमने बोला कि सर अभी आ रही है दिवाली या अभी आ रहा है दशहरा, ठीक है सर? दिवाली इंग्लिश में लिखा, हिंदी में दशहरा, दशहरे की स्पेलिंग गलत कर देता मैं, इसलिए उसे हिंदी में लिख दिया, ठीक है? तो दशहरे पे और दिवाली पे हमने सोचा पटाखे बेचेंगे, दिल्ली में बैन है, हम कहीं और बेच लेंगे। तो गुप्ता जी आए, सर पैसे चाहिए, आप पार्टनरशिप कर लो मेरे से। मैंने कहा देख यार, मैं तो पार्टनरशिप करूँगा नहीं, मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो पार्टनरशिप कर लेगी। तो ये इंडिविजुअल थे और इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप करी? प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? AOP। क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब कोई भी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब, पर्सन मतलब कोई भी, ठीक है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में अंतर समझ आया कि सारे के सारे क्या होंगे? इंडिविजुअल। क्लियर है? और ये लास्ट रह गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसका मतलब कौन? पीपल का पेड़, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? पीपल का पेड़। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, जो भी जितने देवी देवता होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है? तो इस तरीके से हम जो आपको बताएंगे, जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, वो सारे पर्सन्स का निकलता है। किसका निकलता है? सर पीपल का पेड़ भी फौरन जाएगा क्या? हाँ, तो पीपल के पेड़ को नॉन रेजिडेंट बनाएंगे क्या? लेकिन मेरा कहने का पर्पज क्या है? जो इंडिविजुअल होंगे या जो HUF होगी, उसके तो तीनों स्टेटस निकलेंगे। कितने स्टेटस? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और एक मिड वाला। लेकिन जैसे जो कंपनी होगी, पार्टनरशिप फर्म होगी, उनके दो ही स्टेटस निकलेंगे, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। क्लियर है या नहीं? हाँ, तो समझ आया आज की क्लास या नहीं? कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे ये समझ आया? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या नहीं, बोलो? अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद पढ़नी है या पढ़कर आनी है, जो समझ नहीं आएगा मैं आपको समझा दूंगा। अभी इनके चक्करों में मत पढ़ना। जैसे कंपनी अभी याद रखना कि भाई एक फॉरेन कंपनी होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है। लेकिन अगर इनकी डेफिनेशन पढ़ने लग जाओगे तो थोड़ा टफ पार्ट है अभी, ठीक है? तो रीड कर लेना, जितना समझ आए वेल एंड गुड है, नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे इसमें एक डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। किसकी? असेसमेंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं भाई? 21-22, ठीक है? अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2021, वो फाइनेंशियल ईयर कम टाइम का भी हो सकता है। कम टाइम का कैसे? जैसे तुम्हारी कंपनी बनी, तुमने कंपनी बनाई 10 मार्च 2021 को। कब बनाई? 10 मार्च 2021 को। तो भाई, तो तुम्हारा पीरियड कितने रह गया? क्या रह गया? 10 मार्च से 31 मार्च। तो फाइनेंशियल जो प्रीवियस ईयर है वो कम टाइम का हो सकता है, लेकिन उसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 21-22। असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीनों का होता है। कितने महीने का होता है असेसमेंट ईयर?
पूरे 12 महीने का, और प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर का पिछले वाला साल, कौन सा साल, असेसमेंट ईयर का पिछले वाले साल को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। क्या वो 12 महीने से कम का हो सकता है? बिल्कुल। क्या असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है? नहीं, क्योंकि असेसमेंट ईयर तो बोला है कि हमेशा 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। आप इनकम कौन से साल में कमाते हो? प्रीवियस ईयर में। टैक्स कौन से साल में देते हो? असेसमेंट ईयर में। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि 31 मार्च तक तो तुम इनकम कमाओगे ही, उसी के बाद तो बताओगे, समझ में आई? लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस साल में पैसा कमाओ उसी में टैक्स दे दो? जनरल रूल क्या है कि पैसा कब कमाओगे, प्रीवियस ईयर में, और टैक्स कब में दोगे, असेसमेंट ईयर में। लेकिन अगर किसी को ये पता लग जाए, लेट सपोज आज क्या तारीख है, 19 सितंबर, 19 सितंबर को गवर्नमेंट को ये पता लग जाए कि कपिल जैन ने जो 2021 में इनकम कमाई है, कपिल जैन का मन कर रहा है अब ऑस्ट्रेलिया जाने का, और गवर्नमेंट को यह पता लग रहा है कि कपिल जैन ने अपने दोस्तों को सबको बोल दिया अलविदा और अब मैं आऊँगा नहीं, अब इनकम टैक्स वाले कह रहे रिटर्न फाइल करो, मैंने कहा रिटर्न फालतू मत बोलना, डेट बढ़ा दिया तुमने, रिटर्न फाइल करूँगा 31 दिसंबर को, कब करूँगा 31 दिसंबर को, तभी तुम मेरे से क्या लोगे, टैक्स। ऐसा हो सकता है या नहीं? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, हम चाहें तो तुमसे पहले भी टैक्स ले सकते हैं, कब, जब हमें लग जाएगा कि तुम इंडिया छोड़ के परमानेंटली जा रहे हो। तो ऐसे कुछ केसेस है, 3 या 4 केसेस है वहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये वाली बात तो 10 मार्च में भी हो सकती है, मैंने 10 मार्च तक करोड़ों रुपया कमा लिया और मैं 10 मार्च को टिकट ले रहा हूँ कनाडा का, और गवर्नमेंट को क्या लग गया, अब ये तोता उड़ जाएगा और ये आएगा नहीं, तो क्या उसी टाइम पर ले सकती है? नहीं, बोलो, ले सकती है, कोई डाउट? हाँ बोलो, नहीं है ना डाउट? तो उस साल में भी टैक्स ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने सोने के बिस्किट खरीदे 50 करोड़ के, 50 करोड़ के सोने के बिस्किट खरीदे और धूम 3 की शूटिंग के हिसाब से पुल के ऊपर खड़ा हो गया, अब वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर खड़ा है, ठीक है ना, वो मेरे से कह रहा है कि भाई ये बिस्किट मुझे दे दो 100 करोड़ के, तुमने कमाए हैं और इस पर टैक्स दे दो, क्या दे दो इस पर टैक्स दे दो। मैंने कहा टैक्स अभी नहीं दूंगा, टैक्स कब दूंगा, असेसमेंट ईयर में। अब उसे पता है इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बिस्किट क्या कर देगा, समुंदर में डाल देगा, ठीक है, ये बिस्किट किस में डाल देगा, समुंदर में डाल देगा। तो क्या गवर्नमेंट उसी साल टैक्स ले सकती है या नहीं? अगर गवर्नमेंट को ये पता लग जाए कि जिस पर हमें टैक्स आना है ये उस प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या कर देगा, उस प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई हम तेरे से उसी साल में टैक्स ले लेंगे। तो जनरल रूल क्या है भाई, बोलो, प्रीवियस ईयर में कमाओ और टैक्स कब दो, असेसमेंट ईयर में। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, अगर मैंने बिजनेस शुरू करा और उसी साल में ख़त्म कर दिया, अप्रैल में शुरू करा, जून में ख़त्म कर दिया, वो बिजनेस भी बंद कर दे रहा हूँ, AOP था हमारा कुछ, बंद कर दे, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, उसी साल में टैक्स दो। या ऐसा समझो मैं जहाज पे बैठ के जा रहा हूँ और गवर्नमेंट को पता ये जहाज अभी इंडिया से जाएगा, पानी का जहाज है ये, आज इंडिया से निकलेगा 20 मार्च को और ये अगले साल आएगा, एक साल का राउंड लगा के आता है पूरे अटलांटिक महासागर, ये सागर वो सागर जाके एक साल बाद आते हैं ये, तो गवर्नमेंट क्या एक साल तक इंतजार करेगी? तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, टैक्स अभी दे दो। तो हमने क्या बोला, ये आप पढ़ के आना, इन जनरल क्या बोला हमने, प्रीवियस ईयर में टैक्स इनकम कमाई जाती है और टैक्स कब दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन। टैक्स के लिए हम पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे और पर्सन हमने देख लिया कितनी तरह के होते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस सबका निकालेंगे, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने में इंडिविजुअल और HUF में तो सारी बातें, 3 तरीके से स्टेटस निकलेगा और बाकी में क्या निकलेगा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़कर आना, हम पूरी मास्टरी नहीं करेंगे लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल का तो कम से कम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। सबके टैक्स रेट अलग होते हैं, अभी हमने किसके टैक्स रेट पढ़े, इंडिविजुअल के, ऐसे हम पार्टनरशिप फर्म के पढ़ेंगे, ऐसे कंपनी के पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप कर सकते हैं, समझ आई क्लास या नहीं? देखो भैया, इनकम टैक्स में आप मानकर चलो कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर इसमें कुछ गलती वलती हो जाए तो मुझे पहले बता देना कि हाँ सर ये गलत है, तो ये हम एक तरीके से सीखने वाला बैच है हमारा, ठीक है, आपकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन्स हम करेंगे,
जैसे आज हमने मार्जिनल रिलीफ पढ़ा, जैसे आज हमने सरचार्ज पढ़ा, तो ये आपकी एडिशन चीज़ें होंगी। हो सकता है वो चीज़ प्रैक्टिकल में यूज़ ना हो, लेकिन कभी भी आ सकती है। तो जितना होगा प्रैक्टिकल जो हमारा है वो तो सारा करेंगे, ठीक है। जैसे हमने नया टैक्स पुराना टैक्स देखा, लेकिन जैसे हमने मार्जिनल रिलीफ का एक ही क्वेश्चन करा, हम उतना ही रखेंगे जो हमारे टच से बाहर है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, थैंक यू जी।